हमारा, तो हम लोग शुरू करते हैं मित्रों। इन औपचारिकताओं के बाद जो बहुत आवश्यक हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेके कोई भी कार्य आरंभ करना चाहिए, हम लोग अपने फर्स्ट मॉड्यूल को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा इंसुलिन थेरेपी का कोर्स है, यह टोटल 5 मॉड्यूल्स में हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट में अभी हम लोग इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन और उनके सूटेबल इंसुलिन रेजिमेन क्या क्या है प्रॉपरली, उसके विषय में समझेंगे। आज के कोर्स में हमें एक ओवरव्यू ही मिलेगा और अगले से हम बहुत मेटिकुलसली हमें अपनी क्लिनिक में किस प्रकार से किसी पेशेंट की इंसुलिन थेरेपी आरंभ करनी चाहिए, बेजल इंसुलिन कैसे दें, बेजल से उसको हम प्रीमिक्स में कैसे शिफ्ट करें या प्रीमिक्स इंसुलिन कब दें, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में हम किस प्रकार से इंसुलिन के नए रेजिमेन ट्राई करें, उनको इस्तेमाल करें, और जो आजकल के परिवेश में बहुत आवश्यक है वह है जैसे कोविड के केस में बहुत मैसिव डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स हमारे पेशेंट्स को लेनी पड़ती हैं, तो इन पेशेंट्स में स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया जब होता है तो उसको किस प्रकार से मैनेज करें। डॉक्टर अलका शर्मा के सौजन्य से हम लोगों ने यह डायरेक्ट्रेट ऑफ जो हेल्थ सर्विसेज यूपी का उनसे निवेदन किया था कि हमारे यूपी प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के पीएमएस के जो डॉक्टर्स हैं जो इंटीरियर्स तक में फैले हुए हैं, ये उन्हीं का प्रताप है, पिछले 1.5 वर्षों से अथक मेहनत करके जो लड़ाई कोविड के विरुद्ध इन पीएमएस के डॉक्टर्स ने लड़ी है और अभी भी लड़ रहे हैं। यदि आगे आने वाले दिनों में कोई परेशानियाँ आती हैं तो यही हैं जिनके बूते पे हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। मैं उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर अलका शर्मा, डॉक्टर वेद को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यह अपने उन पीएमएस के डॉक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया और जिससे कि हम कोविड में स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग बेहतर तरह से समझ के और उनके ट्रीटमेंट को और प्रभावी बना सके। तो मित्रों, आज के मॉड्यूल में हम लोग इंसुलिन के क्या इंडिकेशंस हैं, इंसुलिन के प्रॉपर जो रेजिमेंस हैं वो क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम इंसुलिन आरंभ करें, यह सीखना है हमको और इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हर चीज़ नहीं कवर की जा सकती और हम लोग कोई बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन के चक्कर में भी नहीं पड़ेंगे और ना केवल एक फटाफट बस छूते छूते हम चलते चले गए। जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे उसको हम लोग इन लेंथ करेंगे और प्रैक्टिकल जो क्लिनिकल सिनेरियो के हिसाब से करेंगे। मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं सकता, आप सब सीनियर अपने अपने क्षेत्रों में महारथी लोग हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक कार्य करता है ना, अगर हमारी जो नर्स है वो एक काम करते करते वो इतना ट्रेंड हो जाती हैं, हमारे कंपाउंडर एक काम करते करते इतना ट्रेंड हो जाते हैं कि 10 साल बाद हमको भी उनसे पूछना पड़ता भाई ये वाला काम कैसे करते, उसी प्रकार से हम 25 वर्षों से पिछले हम लोग ये एंडोक्रिनोलॉजी में इसी काम से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से जो क्लिनिकल स्किल हमने डेवलप की है। हाँ डॉक्टर पंकज, मैं बोलता हूँ। रोशनी जी, आपने सारी फैकल्टी को म्यूट कर रखा है, डॉक्टर एनपी सिंह भी म्यूटेड हैं, वो बोल नहीं पा रहे, डॉक्टर पंकज चौधरी भी म्यूटेड हैं, बोल नहीं पा रहे, डॉक्टर राजेश अग्रवाल का भी फोन तो नहीं आया, उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन भाई ये सिस्टम जरा ठीक करिए, ये अत्याचार ना करें। यस सर, मैंने डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर पंकज चौधरी, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर एनके सोनी, इनको देखें कि इनके ऑडियो वीडियो ठीक रहे। आइए डॉक्टर पंकज, इट्स फाइन सर, इट्स फाइन सर नाउ। बाकी अटेंडीज के जो ऑडियो वीडियो वो ऑफ करिए प्लीज। लेकिन डॉक्टर सोनी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नहीं नहीं, कोई दिक्कत। डॉक्टर एनपी सिंह को देखिए, तो अगले कुछ मिनटों में हमको एक क्लिनिकल रेशनल थिंकिंग डेवलप करना है। डॉक्टर एनपी सिंह तो छोड़ गए, ही लेफ्ट, उस बंदे को उनको फोन कर देता हूं, मैं करता हूं। नहीं, मैं आ गया हूं, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। मैं सुन रहा था पंकज को बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आई एम सॉरी सर, ये इस इनकन्वीनियंस के लिए कुछ मैनेजमेंट जो हुआ है ये रियली नहीं होना चाहिए, मुझे बड़ा खेद।
और फिर उसके बाद जरूरत होगी आप मुझे रोशनी बाकी ऑडियोज ऑफ करिए प्लीज, मैं चार बार बोल चुका हूँ। यस बाकी के वीडियोस भी ऑफ करिए, कई डेलीगेट्स की वीडियोस ऑन है। ये हम लोग का सेशन बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशन होगा जिसमें हमें क्लिनिक में, क्लिनिक चाहे हमारी इंटीरियर से इंटीरियर गांव में क्यों ना हो, हम वहां पे किस प्रकार से पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए मित्रों आरंभ करते हैं, तैयार हो जाइए। हम लोग इंसुलिन थेरेपी कहाँ देनी है, जो कुछ कॉमन प्रश्न है, व्हाई इंसुलिन देनी है नहीं देनी किसी पेशेंट पे, हमें कब आरंभ करना है इंसुलिन, कौन सा रेजीम देना है, किस प्रकार से देना है, कितनी डोज से, किस समय पे, खाने के पहले, खाने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। एक बार आरंभ कर दिया, एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये है कि जितने पेशेंट्स इंसुलिन लेते हैं केवल 25% पेशेंट्स, इंडियन डाटा है, वो टारगेट पे होते हैं, 75% अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो उनको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें और कैसे इंडिविजुअलाइज करें, हर पेशेंट के लिए एक विशिष्ट इंसुलिन रेजिमेंट कैसे दें। आज के सेशन में हम लोग इन पहले तीन प्रश्नों के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और उसके बाद बेसल इंसुलिन का एक सेशन, ऑप्टिमिक्स इंसुलिन का एक सेशन, आईवी इंसुलिन का एक सेशन हम लोग अलग अलग करेंगे। तो जो पहला प्रश्न आता है, इंसुलिन क्यों, क्या एक पेशेंट अगर हम लोग क्लिनिकल सिनेरियो लें तो क्या वास्तव में उसको इंसुलिन की आवश्यकता है, आइए हम लोग इसको अगले कुछ मिनटों में डिस्कस करते हैं कुछ क्लिनिकल केसेस के माध्यम से। आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब मैं आपको शांति से नहीं बैठने दूंगा, हर केस में कुछ ना कुछ क्लिनिकल क्लू छुपा हुआ है और आप लोगों से मैं पूछता जाऊंगा। जैसे ये जो आप राइट साइड में एक ये कॉलम देख रहे हैं, ये आपको एक पोलिंग में हम आमंत्रित करेंगे। ये केस आपके सामने आया, आपकी ओपीडी में आया, 212 फास्टिंग है, 293 पीपी है, इसके साथ आया। आप से मैं पूछ रहा हूं, रोशनी पोलिंग आरंभ करिए कि आप yes. इस केस को इंसुलिन देंगे या नहीं। 10 सेकंड है, आपको केवल ये आंसर देना है यस yes? यस yes, yes. और नहीं, आपको बोलना नहीं है, आप अभी पोलिंग में आप अभी इसको वो करिए। रोशनी पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई, डॉक्टर राजेश अग्रवाल आपका स्वागत है। कुछ असुविधा हुई मुझे खेद है उसका। नहीं, नो प्रॉब्लम। रोशनी पोलिंग आपकी अभी तक आरंभ नहीं हुई। यस सर। यस नहीं, पोलिंग आरंभ करो भाई, क्या फायदा। इट्स हॉरिबल। चलिए डॉक्टर एनपी सिंह आप कुछ कह रहे शायद। आपने बहुत एक अच्छा, बहुत कठिन प्रश्न किया। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका और पंकज का और डॉक्टर सोनी का, जो मुझे आपने इनवाइट किया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के लिए, जिसमें कि हम देखिए इंसुलिन टाइप 1 के लिए तो चाहिए ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। टाइप 2 में ये आपने जो रीडिंग्स दी हैं 212 और 293, इसके साथ मैं चाहूंगा कि अगर कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल जाती तो अच्छा था, क्योंकि आपने ये 300 वाला जो आंकड़ा है उसने बात नहीं किया है और HbA1c आपने दिया नहीं है, तो मुझे उत्तर लगता है कि गांठ से होगा। बट डेफिनेटली आई वुड फर्स्ट लाइक टू आस्क यू वेदर द लाइफस्टाइल हैज बीन इनिशिएटेड और या क्या हमने उसको कोई मेटफॉर्मिन की दवाई दी है, अन्यथा चार जो प्रमुख कारण है, अगर उसको सिम्टम्स है, अगर शुगर 300 से ज्यादा है, अगर HbA1c 8.5% से ज्यादा है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो हम फौरन इंसुलिन ही स्टार्ट करेंगे। इस स्थिति में मुझे जानकारी थोड़ी और चाहिए कि क्या मरीज ऑलरेडी किसी दवाइयों पे है या नहीं। सर यही, धन्यवाद, यही इस प्रश्न पूछने का उद्देश्य था, दुर्भाग्यवश पोलिंग आरम्भ नहीं हो पाई, वरना लोग इसमें, कुछ लोग यस का आंसर देते। केवल इस इंफॉर्मेशन से कि ब्लड शुगर कितनी है, हम किसी पेशेंट के लिए कोई क्लिनिकल डिसीजन नहीं ले सकते। तो इस प्रश्न का उद्देश्य सिर्फ ये ध्यान में लाना था कि शुगर, डायबिटीज का इलाज केवल शुगर का इलाज नहीं है कि शुगर देखा हमने दवा दे दी, हमें बहुत सारी चीजें और चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा कि कांट से
हाउ कैन वन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स ओनली। तो इसका मतलब यह केस हमारा अभी डिसीजन करने के काबिल नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। 49 ईयर ओल्ड मेल, 3 साल से डायबिटीज है, 8.3 HbA1c है, जैसे डॉक्टर एनपी सिंह सर ने कहा, ये मेटफॉर्मिन 2000 ले रहे हैं, जो इसके ब्लड शुगर चार्ट में आप देखते हैं। मेटफॉर्मिन 2000 लेते हुए 8.3 HbA1c पे 3 साल की डायबिटीज 49 ईयर का मेल, वह 212 और 293 शुगर लेवल के साथ आता है। आइए पहले हम पोलिंग आरंभ करते हैं। रोशनी, अब आप पोलिंग आरंभ करेंगे इस केस में? आपका पोल भी नहीं आ रहा है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। रोशनी, ये रोशनी को रोशनी डालनी चाहिए इन पे, हमें रोशनी डालनी पड़ रही है भाई। हाँ तो मित्रों 10 सेकंड हैं, आप लोग इसमें यस नो कांड से जो भी आपके आंसर हो फीड करिए। जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा कभी भी प्रोग्राम में आगे बढ़ाने में मजा नहीं आएगा। चलिए ब्रेक करिए, 10 सेकंड ही रखेंगे इसको, 10 सेकंड मिलते हैं। और हम देख रहे हैं इसमें 44% कह रहे हैं कि यस, 45% कह रहे हैं नो, मतलब एक टाई है, टाई की देनी है, कुछ कह रहे हैं देना है, कुछ कह रहे हैं नहीं देना है। तो देखिए ये वो सिचुएशंस है कि जब हम डिसाइड करने में कभी कभी हमें परेशानियां होती हैं कि हमें काम करना है या नहीं करना है। डॉक्टर राजेश, आप इसमें yes. कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक कह रही है, पब्लिक कंफ्यूज है, 45% कह रहे हैं देना है, 45% कह रहे हैं नहीं देना है। डॉक्टर पंकज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशन फॉर अरेंजिंग सच ए नाइस प्रोग्राम एंड दैट टू इन हिंदी। आप हिंदी इतना अच्छा बोलते हैं और मैं हिंदी का प्रबल समर्थक हूं, तो मुझे आपसे मिलके वैसे ही, और आई एम न्यू टू दिस। जी सर, अच्छा डॉक्टर सबसे संपर्क टूट गया। चलिए आइए फिर, अब यहां 30 इयर्स ओल्ड डायबिटीज, दैट इज द क्लिनिकल। एट दिस मोमेंट आई विल नॉट स्टार्ट इंसुलिन एट दिस पॉइंट, नो नॉट टू स्टार्ट इंसुलिन, बट वी रिक्वायर वेट, बीएमआई, रीनल फंक्शन, cardiac function, and then we will decide what type of therapy should be given. चलिए ये बहुत, देखिए जो डॉक्टर एनपी सिंह का भी कहना था, जब तक क्लिनिकल डिटेल्स पूरी ना हो तब तक हम काम नहीं कर सकते, और यही डॉक्टर राजेश अग्रवाल का कहना है कि हमें किसी केस में डिसीजन ऐसे ही हमारे मन में आ गया नहीं लेना है। इस केस में भी अभी हमें बहुत और जानकारियां चाहिए, और जहां तक बात है 8.3 की, तो हमें अगर हम टारगेट 7% लेते हैं तो हमें 1.3% कम करना है, अगर टारगेट 6.5 लेते हैं तो 1.8% कम करना है। शायद अभी हम ये काम मेडिसिन से भी कर पाए, तो शायद अभी इस केस में जो लोग 45 इक्वल टाई है तो कोई उसमें गलत नहीं है, और शायद हमें इस केस में अभी मेडिसिन से काफी काम चल जाए। चलिए एक तीसरा केस हम आपके लिए लाए हैं, बहुत सिंपल डे टू डे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स है। सेम 49 ईयर ओल्ड मेल जिसको 13 वर्षों से डायबिटीज है, HbA1c 10.3% है, और ये 5 ड्रग्स ले रहे हैं, और ये 5 ड्रग्स को लेते हुए इनकी ग्लूकोज लेवल 212 और 293 है। अब आप क्या कहेंगे, इसमें इंसुलिन देनी है या नहीं देनी है? रोशनी पोल स्टार्ट करें। जी हाँ, 10 सेकंड है आपके पास, यस नो और कांट से। चलिए बहुत बढ़िया, तो रिजल्ट डिस्प्ले करिए। देखिए अब 92% लोग कह रहे हैं कि हम इसमें इंसुलिन आरंभ करेंगे, और यह वो बात है कि अभी भी 5% 3% हैं जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम 92% अगर कह रहे हैं कि हम इंसुलिन आरंभ करेंगे, तो आइए देखते हैं कि अब हम इस केस में क्या करें, क्योंकि 10.3% को हम 6.5% अगर हम लाना चाहते हैं तो हमें काफी मेजर रिडक्शन की जरूरत है, और 5-5 अस्त्र हम चला चुके हैं, तो ब्रह्मास्त्र की ही जरूरत है। और इंसुलिन ही एक ऐसा एजेंट है जो अनलिमिटेड कंट्रोल ला पाने की क्षमता रखता है, बाकी किसी से यह संभव नहीं है शायद। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, 5 एजेंट अलग अलग ग्रुप में काम करने वाले हम यूज कर रहे हैं। तो मित्रों जैसा डॉक्टर एनपी सिंह ने कहा
कि अगर हमको किसी पेशेंट में इंसुलिन आरंभ करनी है तो हमें उसके लिए प्रॉपर क्लिनिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो क्या क्या है, एज ऑफ द पेशेंट, जेंडर, वेट, ये तो पेशेंट पार्टिकुलर्स हुए, उसको डायबिटीज कब से है, उसके ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, शॉर्ट टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो कि हमें ग्लूकोज लेवल से मालूम पड़ता है, और लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो हमें एचबीए1सी से मालूम पड़ता है, वो मेडिकेशन क्या क्या ले रहा है। जैसे हमने देखा दोनों पेशेंट्स में हमारा डिसीजन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि मेडिकेशन दोनों में एक सिंगल ड्रग थी, एक में फाइव ड्रग्स थी, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिस पे डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने अभी प्रकाश डाला था कि कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं उस पेशेंट को, और साथ साथ क्या क्या है जिसके आधार पे हम ये डिसीजन लें। तो अब हम थोड़ा इस बात को एक रूपरेखा बनाते हुए अब हम थोड़ा सा फास्ट होना चाहेंगे, यहाँ से आप लोग इन बातों को क्लिनिकली डिस्कस करेंगे, एक एक पैरामीटर को विस्तार से। एज ऑफ द पेशेंट, अगर यही पेशेंट 9 साल पे आए, अब यहाँ पे हम पोलिंग नहीं कराएंगे वरना बहुत टाइम लगता जाएगा, आप लोग एक कागज कलम में लिख के ए बी सी अपने आप लिखिए, अपने आप नोट करिए, क्योंकि आपको कोई एक विकल्प तो चुनना ही है, वरना क्या होता है, हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था, हम तुरंत पाला बदल देते हैं। तो इसके लिए आप अपने कागज पेन से लिखते जाइए, और 9 साल का बच्चा हो अगर तब हमारा डिसीजन क्या होगा, हम देंगे या नहीं देंगे। वास्तव में हम ये जानते हैं जो प्री प्यूबर्टल बच्चे हैं, प्री प्यूबर्टल बच्चों को तो हमें टाइप 1 मान के चलना होता है, जब तक कि बहुत रेयर जो डिसऑर्डर है प्री प्यूबर्टल बच्चों में टाइप 2 वह हम प्रूव ना करें। तो हम मान के चलते हैं कि प्री प्यूबर्टल बच्चा टाइप 1 है, इसलिए ऐसा बच्चा आए तो हमें इंसुलिन थेरेपी देनी है। लेकिन अगर आजकल जैसे बच्चे जो यंग एडल्ट्स में खूब हो रही है, 29 ईयर ओल्ड मेल अगर हमारे इसी शुगर लेवल को लेके आए, तब हमारे लिए मुश्किल है ये कहना कि वो टाइप 1 है या टाइप 2 हो। हो सकता है टाइप 1 हो जो थोड़ा लेट प्रेजेंट कर रहा हो सकता है टाइप 1 का माइल्डर वेरिएंट जिसे हम लाडा कहते हैं, लेट ऑनसेट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट, जिसको 1.5 डायबिटीज कहते हैं, जिसमें इनिशियली थोड़ी इंसुलिन कैपेसिटी होती है और उसके बाद ग्रेजुअली इंसुलिन कैपेसिटी खत्म होती जाती है, सीक्रेट कैपेसिटी, और बीटा सेल फंक्शन तेजी से कम होता है, और 1-4 सालों के अंदर वो टाइप 1 पेशेंट की तरह प्रेजेंट करने लग जाते हैं। तो शायद हम कह नहीं सकते कि 29 ईयर ओल्ड मेल वह क्या है। 79 ईयर ओल्ड मेल अगर यही हमारी वैल्यू लेके आए, तब हम क्या कहेंगे, ए बी या सी, आप अपना डिसीजन लीजिए। लेकिन फिर प्रश्न ये, 79 एज पे टाइप 1 होने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन हमें इंसुलिन देने से पहले इस एज पे यह जरूर सोचना है कि 79 ईयर ओल्ड मेल उस पे बहुत एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखनी है। तो हमें एज ऑफ द पेशेंट के अनुसार कुछ चीजें हैं जो वेरिएबल हैं, जिन पर हमें ध्यान रखना है कि प्री प्यूबर्टल तो अधिकांश पेशेंट टाइप 1 ही होंगे अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, लेकिन पोस्ट प्यूबर्टल जितना यंग पेशेंट हो उतना हमें एग्रेसिव अप्रोच रखनी है, क्योंकि इन पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, जितना समय वो डायबिटीज के साथ, जितना समय वो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ बिताएंगे, उतना उनमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आगे लाइफ स्पेन ज्यादा होने के कारण से ज्यादा होगा, तो उनमें हमें बहुत एग्रेसिव अप्रोच रखनी। तो एज ऑफ द पेशेंट हमको कि सिर्फ ये बताता है, बहुत ही कम एज है तो टाइप 1, अदरवाइज हमें थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच रखनी। लेकिन अगर ओल्ड एज में है, जितनी एज बढ़ती जाएगी हमें थोड़ा सा अपना एग्रेशन कम करना, हमें पेशेंट को बहुत टाइट, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल पे लाने से बचना होगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड ओल्ड इंडिविजुअल्स में वो MI, स्ट्रोक, एपिलेप्सी और कभी कभी डेथ तक का कारण बन सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज के साथ में कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कई कोमॉर्बिडिटीज भी हो सकती हैं, जिनके कारण से परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए हम यंगर द एज ऑफ विद डायबिटीज हमें मोर एग्रेसिव अप्रोच रखनी है, ओल्डर द एज हमें एग्रेशन कम रखना है। यदि हम बात करें अगर अपने RSSDI रिकमेंडेशंस की, तो एडवांस एज के साथ रिकमेंडेशंस क्या है, वो एजेंट्स यूज करें हम यहाँ जो हाइपोग्लाइसेमिक टेंडेंसी जिनकी कम है, जैसे DPP-4 इनहिबिटर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स, ऑब्वियसली मोर देन 80 पे SGLT2 इनहिबिटर्स हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन बिलो देन दैट सल्फोनिल यूरियाज के साथ सोच समझ के इस्तेमाल करना है, बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। GLP-1 एनालॉग दे सकते हैं, इंसुलिन को हम थोड़ा सा लो इन प्रायोरिटी रखते हैं,
जब तक कि उसकी बहुत जरूरत ना हो, और देते भी हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक टेंडेंसी कम रखने का प्रयास रखते हुए। तो एज के साथ हमारा जो पैरामीटर है एज, उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि बहुत एडवांस्ड एज के साथ एग्रेशन कम होना है। क्या जेंडर का कोई प्रभाव पड़ता है? यदि कोई फीमेल ये रिपोर्ट लेके आए तो आप अपने पेपर पे नोट कर लीजिए ए बी सी, आप क्या कहेंगे? जो पार्टिसिपेंट रेज हैंड कर रहे हैं वो हम लोग बाद में इन चीज़ों को डिस्कस, आप लोग पे नोट करते जाएं और डॉक्टर मनीषा आपके क्वेश्चंस को हम सेशन के बाद डिस्कस कर लेंगी। तो जेंडर का कोई फर्क वास्तव में इंसुलिन या मेडिसिन के डिसीजन में नहीं पड़ता। माइनर डिफरेंसेज है जेंडर के। प्री मीनोपॉजल एजेस में जो फीमेल्स हैं सम हाउ दे आर नॉर्मली प्रोटेक्टेड फॉर अगेंस्ट कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो जब तक मीनोपॉज नहीं होता नॉर्मल फीमेल्स में कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स कम होते हैं, लेकिन डायबिटीज होने के साथ ही प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। बल्कि मॉर्टेलिटी विद कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर इन फीमेल्स में भी ज़्यादा होती है और कभी कभी मेल से भी ज़्यादा होती है। तो जेंडर का डिफरेंस मैनेजमेंट में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस में जेंडर के अपने डिफरेंसेस हैं। तो अगर मेल और फीमेल का हम ट्रीटमेंट डिसीजन में बात करें तो शायद यहाँ कोई प्रभाव नहीं। लेकिन जो तीसरा पैरामीटर है, अगर वेट ऑफ द पेशेंट हम देखें चलें, तो ये अगर पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आए 47 वेट रह गया, केवल 11 kg वेट लूज किया और वह इस रिपोर्ट के साथ आया ए बी सी, अपने पेपर पे नोट करते जाइए अपने रिस्पॉन्स, आपका डिसीजन क्या होगा? वास्तव में जितना वेट लूज पेशेंट कर रहा है उतना वह पेशेंट कैटाबॉलिक फेज में, तो कैटाबॉलिज्म हावी है, प्रोटियोलिसिस हो रही है, लाइपोलिसिस हो रही है, ग्लाइकोजेनोलिसिस हो रही है, जिसके कारण से सारा रिजर्व मटेरियल कम होता जा रहा है। तो वेट लॉस इज इक्वलेंट टू कैटाबॉलिक स्टेट। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, तो यदि पेशेंट प्रोफाउंड वेट लॉस के साथ आ रहा है तो डेफिनेटली ये वो स्टेज है जहां पे हम अभी मेटफॉर्मिन देना अवॉइड करना चाहेंगे। अभी हम उसके लिए इंसुलिन थेरेपी बहुत यूजफुल रहेगी, जो उसको वेट मेंटेनेंस में, वेट गेन में और एनाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर एक पेशेंट 87 kg वेट लेके आता है और इसने 11 kg वेट गेन किया है पिछले साल भर में, जब से कोविड हुआ है तब से घर में बैठे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं और खाते जा रहे हैं, तो अब अगर 87 kg वेट लेता हुआ ये पेशेंट आए तो हमारा डिसीजन क्या होगा? शायद यहाँ पे हम, अगर बाकी एजेंट्स से हम कंट्रोल कर पाते हैं तो हम बाकी एजेंट्स को प्रेफरेंस देंगे, विशेष रूप से वो एजेंट्स मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर, GLP-1 एनालॉग, जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। यहाँ हम इंसुलिन के प्रति थोड़ा हाथ रोक के चलेंगे। तो वेट ऑफ द पेशेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है ट्रीटमेंट मॉडलिटी डिसाइड करने के लिए। यदि हम अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का ये फ्लो चार्ट देखें तो जिसमें ब्लू बॉक्स है कंपेलिंग इंडिकेशन टू मिनिमाइज वेट गेन और टू प्रमोट वेट लॉस, इसमें क्या क्या एजेंट्स है हमारे पास? GLP-1 एनालॉग्स और SGLT2 इनहिबिटर इन एडिशन टू मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन तो बेसलाइन थेरेपी है ही, ओबीज इंडिविजुअल्स के लिए, और उसके बाद अगर हमें SGLT2 इनहिबिटर या GLP-1 एनालॉग्स हम ऐड करते हैं तो इन पेशेंट्स के वेट मैनेजमेंट में भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो हमारी RSSDI रिकमेंडेशंस क्या कहती है? अगर हमें प्रायोरिटी डिसाइड करती है SGLT2 इनहिबिटर, ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट अदर देन जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशेंट का हाइजीन का वो प्रॉपर ध्यान रखे तो SGLT2 इनहिबिटर बड़े आराम से पेशेंट को जोड़ा जा सकता है। GLP-1 एनालॉग इंजेक्टेबल है, थोड़ा नॉजिया वोमिटिंग होते हैं, लेकिन रिमार्केबल ड्रग। तो ये दोनों ड्रग इन एडिशन टू मेटफॉर्मिन, DPP-4 इनहिबिटर थर्ड प्रेफरेंस, जो वेट न्यूट्रल ड्रग है। सल्फोनिल यूरियाज को हम लोग कन्वेंशनली मानते हैं कि वो वेट गेन कराते हैं, हालांकि कई लॉन्ग टर्म स्टडीज में अभी लेनाग्लिप्टिन के साथ भी देखा गया कि ग्लिबेनक्लामाइड के साथ देखा गया कि 5 ईयर देने के बाद भी वेट गेन मिनिमल, और जो एक दूसरा जुड़ा हुआ रिस्क है कार्सिनोजेनसिटी का वो मिनिमल, इन सब के साथ कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। तो सल्फोनिल यूरियाज भी जो रीसेंट थर्ड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज हैं, ग्लाइकोलाजाइड, ग्लिमिपराइड, ये भी हमारी काफ़ी हद तक वेट न्यूट्रल है, इंसुलिन वेट गेन कराती है। तो लास्ट चॉइस में आती है अगर इंडिविजुअल ओबीज है, हालांकि ओबीज है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगा तो
मेडिसिन कम काम करेंगे, इंसुलिन की जरूरत शायद हमें ज्यादा पड़ेगी। तो मित्रों इस प्रकार से हमने अभी क्या डिस्कस किया कि एज, जेंडर, जेंडर कोई विशेष प्रभाव नहीं रखता, एज और वेट दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमारे ट्रीटमेंट मोडलिटी पे प्रभाव डालते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एनपी सिंह से कि जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसके विषय में हमारे डेलीगेट्स को आप क्या और राय देना चाहते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में आपने ये कोमॉर्बिडिटीज से ज्यादा जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो उनकी क्लिनिकल पैरामीटर्स हैं, डेमोग्राफिक पैरामीटर्स है, उसके बारे में समझाया। शायद मैं इसमें एक जो बहुत मेजर कंपोनेंट ऑफ थेरेपी है नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, उसके ऊपर भी मैं एम्फसाइज करूंगा। अगर पेशेंट ओबीस है या इवन यंग बंदे को भी, हमें फिजिकल एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर पूरा ये ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि उसका भी एक बहुत अच्छा रोल है इन टर्म्स ऑफ उसको शुगर को कंट्रोल करने में, और बहुत ज़्यादा आगे एक्टिविटीज जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या अदर चीज़ें हैं वो करने में। आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर ओबेसिटी है तो मैं थोड़ा सा इस बात पे हैरान हुआ कि इंसुलिन पांचवी स्टेज पे पहुंच गया, पांचवी प्रेफरेंस बन गया है। शायद ये इंडस्ट्री ड्रिवन होगा, बट डेफिनेटली हमें ये देखना है और भी चीज़ें देखनी, जैसे कि आर एस एस डाई की उसमें है कि अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड ऑल दोज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर, जो कि हमारे एक्सटर्नल उसमें आते हैं, वो करना है। डेफिनेटली इंसुलिन का रोल जो है, अगर पेशेंट कोई लीन एंड थिन है, शुगर नहीं कंट्रोल हो रही है, तो उस पर तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन के बाद जो सेकेंड जो कॉम्पोनेंट है वो SGLT2 इनहिबिटर आ चुका है। और मैं पंकज के माध्यम से और ये इंडस्ट्री को ये बताना चाहूँगा कि कृपया करके इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देगी, कैसे हम इसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दवाई से बेनिफिट कर पाए। तीसरा GLP-1A की आपने बात करी, जो टारगेट ऑडियंस है हमारा, मुझे नहीं पता उनमें से कितने लोग या उनके पेशेंट्स GLP-1A को अफोर्ड कर पाएंगे, जबकि इसके ऊपर स्टडीज बहुत अच्छी हैं और बहुत प्रभाव ये करती है आगे कॉम्प्लिकेशन में। हाँ, DPP-4 इनहिबिटर आजकल थोड़ा सा वो ब्रेड हो गया है हमारा, यानी कि बेसिक दवाई हो गई है और उसका पूरा इस्तेमाल करें, और अच्छी बात यह है कि ये न्यूट्रल है। सल्फोनाइल यूरियाज हमारी सबसे शायद सस्ती दवा है, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ और ज्ञान और कुछ और रिसर्च चाहिए कि ये किस तरीके से, जब इतना अच्छा इट इज़ वन ऑफ द, ये सबसे बढ़िया दवाई है HbA1c को कम करने के लिए, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर और रीनल प्रोटेक्शन के बारे में इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। जो भी है पुरानी है, नई वालों ने कोई बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं दिया है। तो शायद इस अभी की ये अगर हम देखा जाए, अगर हम ये स्टडी करें कि हमारे सभी मित्र भाई सबसे ज़्यादा दवाई कौन सी लिखते हैं, तो शायद यही आएगी। इंसुलिन का यूज जो है, एक क्लिनिकल इनर्शिया एक जो टर्म यूज करते हैं ऐसे लॉन्ग टर्म में, कि जो कि मरीज और डॉक्टर दोनों ही समा अगर इंसुलिन के यूज को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग या प्रिवेंट पोस्टपोन करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जो कि दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रही है और पेशेंट की विलिंगनेस है, लाइफ स्टाइल के ऊपर वो पूरा जोर लगाना चाहता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका सकता हूँ। GLP-1A को साइड में उसी पोजीशन पे रखूंगा, और हाँ, अगर कोई मरीज अफोर्ड कर सकता है या उसको कहीं से रीइंबर्समेंट है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये फैक्टर्स भी हमें देखने हैं पंकज, क्योंकि एक ड्रग एडियरेंस में मुझे लगता है चाहे लॉन्ग टर्म वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी है, अगर हम ड्रग को एडियर नहीं करेंगे तो बहुत सारे मरीज जो है वो चूंकि एसिम्टोमेटिक होते हैं ये सब डायबिटीज और हाइपरटेंशन, तो वो सोचते हैं नहीं हम ठीक है, हमें क्यों जरूरत है इतनी महंगी और इतनी लॉन्ग टर्म दवा देने की। बाकी SGLT2 इनहिबिटर के बारे में आपने जो दिया, मुझे लगता है कि जितना हम इसको, ये एक ऐसी वंडर दवा आ गई है कि जिसके बारे में जितनी रिसर्च हो रही उतना ही और आ रहा है, ये खासकर गुर्दों के बीमारियों को बचाती भी है और थर्ड फोर्थ स्टेज तक भी अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। धन्यवाद पंकज। मैं आप कुछ और पूछना चाहें मुझसे स्पेसिफिक तो मैं आपसे कर दी। सर आपने बहुत अच्छा इसमें ये ऐड किया, जो ये एक एक्सपीरियंस लोगों के जो कमेंट्स हैं ये बहुत मायने रखते हैं हमारी अपनी क्लिनिकल दिशा को निर्धारित करने में, क्योंकि हम लोग अपने सीनियर्स को जिन्होंने ज़्यादा काम किया है उनसे ही देख के सीखते हैं।
एक कुछ भारतीय डॉक्टरों के विषय में मुझे लगता है सल्फोनिलूरिया के प्रति अतिशय प्रेम रखते हैं हम लोग। हमारा कोई प्रिस्क्रिप्शन बिना सल्फोनिलूरिया लिखे पूरा नहीं होता। 100 किलो का व्यक्ति भी आएगा तो उसको लिमिपेराइड या ग्लैकलाइड या ज्यादा देंगे और मेटफॉर्मिन 500-1000 मिलीग्राम में ही निपटा देते हैं। खासकर मरीज जो किडनी जिनको असर कर चुकी है, किडनी का क्रिएटिनिन जो कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो ऐसे पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया होने के बहुत चांसेस हैं। 2-3 दिन भी हमने देखे हैं कि ग्लिमेपराइड के बाद पेशेंट को शुगर की लेवल्स को नॉर्मल आने में, तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा सा टेंडेंसी बदली है जब से ये DPP-4 इनहिबिटर्स आए हैं और मेटफॉर्मिन का यूज भी बहुत बढ़ गया। आई थिंक जैसे कि सभी एसोसिएशंस कहती है, मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है कि जिसके बारे में जितना ज्ञान मिल जाए उतना ही अच्छा है। बहुत सारे प्लियोट्रोफिक इफेक्ट्स भी हैं इसके। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग जो भी पेशेंट, हम लोग जैसे भारतीय जितने पेशेंट हैं एशियन पेशेंट से देखने में अगर हम ओवरवेट ओबीज नहीं भी लगते, BMI के हिसाब से हमारे क्राइटेरियाज कम है, तब भी हमें मेटफॉर्मिन मैक्सिमम टॉलरेटेड डोजेस में देखकर और तब हम शायद दूसरे एजेंट्स पे स्विच ओवर करें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सर अनुमति हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ूं, राजेश अग्रवाल के कमेंट्स में फिर उसके बाद अगले इसमें लेता हूं। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज जो हमारा अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है डिसाइड करने के लिए, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने अपनी केसेस में डिस्कस किया, यदि हमारे पास ये पेशेंट आता है विद 3 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, तो मित्रों आप क्या कहेंगे? 212-293 ग्लूकोज लेवल है, 3 साल से डायबिटीज है, आप इसकी इंसुलिन शुरू करेंगे या नहीं करेंगे? तो भाई अभी 3 साल की डायबिटीज, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज से फर्क क्या पड़ता है? हम जानते हैं डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, तो जितना टाइम बीतता जाएगा पैंक्रियाटिक बीटा सेल फंक्शन प्रोग्रेसिवली कम होते चले जाएंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि एक निवेदन पहला था कि मेटफॉर्मिन को मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज में यूज करिए जब तक उसका कोई कंट्राइंडिकेशन या इंटॉलरेशन ना हो। दूसरा निवेदन यह है कि हर पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे यह अवश्य लिखें कितनी पुरानी डायबिटीज है। जब तक आपको ये नहीं मालूम हम 3 साल पुरानी और 13 साल पुरानी डायबिटीज के पेशेंट को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। 3 साल वाले के पास एंडोजेनस इंसुलिन रिजर्व है, जबकि सेकेंड पेशेंट अगर यही हमारा 18 ईयर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज के साथ आता है तो शायद यहाँ पे हमारा डिसीजन बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि इस पेशेंट में एंडोजेनस इंसुलिन रिजर्व नहीं होगा। हम 5-7% बीटा सेल्स हर साल डिके करती जाती हैं, तो यूजुअली 7-10 ईयर्स में बची हुई 50-70% बीटा सेल्स जो है समाप्त हो जाती हैं। हमारी फर्स्ट स्टेज डायबिटीज की इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जब पोस्टप्रांडियल बढ़ता है, सेकेंड स्टेज जब हमारी फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ती है इंसुलिन लेवल और कम बनना कम हो गया, और विद टाइम जब से डायबिटीज मालूम पड़ी 50% पैंक्रियास इज ऑलरेडी डेड, तो हम हाफ डेड पैंक्रियास के साथ काम करते हैं और वो भी विद टाइम हमारा डिके करता जाता है। तो अल्टीमेटली सभी type 2 डायबिटिक किसी type 1 डायबिटिक की तरह से बिहेव करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि पेशेंट का इंसुलिन रिजर्व कितना होगा, इंसुलिन सिक्रेटरी रिजर्व, और हम किस प्रकार की मेडिसिन इसमें ज्यादा यूज करें। विद पैसेज ऑफ टाइम सल्फोनिलूरियाज जो इंसुलिन रिलीज करा के काम करती हैं उनका प्रभाव कम होता जाता है। डॉक्टर राजेश अग्रवाल आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज के विषय में? डॉक्टर पंकज बहुत अच्छा, और ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इफ इट इज कंबाइंड विद वेट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and very easy to decide. Suppose patient with, as we have seen that one patient with 3 years duration of diabetes and 11 kg weight gain, then there is no choice of insulin. And another patient with 13 years of diabetes and 11 kg weight loss, insulin is the first choice. So this is very important parameter. And if we add hardly 3 or 4 parameters like weight, duration, which you have rightly pointed out, and renal function, which you will be probably covering in the next few minutes, yes, and other comorbidities, then it is very easy to decide which drug will be best, first choice, add-on, second, and third. And nowadays, metformin intolerance is also very common.
So we have so many choices for metformin intolerance. So that is also very important, because many a times patient doesn't take metformin because sustained release metformin, and that leads to ghost tablet. You know, they are passing the ghost of the tablet in the stool or vomiting, and they feel that this drug is not working and they stop themselves. So that is also very important factor which I hope medicine to release ho jati hai wo tablet ka khol nikalta hai jisko ki vyakti samajhta hai ki ye puri tablet bina absorb hue chali gayi. So that is very important. धन्यवाद डॉक्टर राजेश. तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने अभी जो दो पॉइंट्स चुने हैं, वेट ऑफ द पेशेंट और ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, कृपया इन दोनों का ध्यान जरूर रखें. आइए तीसरा पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल. एक्यूट कंट्रोल, शॉर्ट टर्म कंट्रोल जो हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल से मालूम पड़ता है, और लॉन्ग टर्म कंट्रोल पिछले 3 महीनों का जो हमें HbA1c से मालूम पड़ता है. तो यदि हमारा यही पेशेंट 7.9 HbA1c के साथ आए, आप इंसुलिन आरंभ करेंगे क्या? सोचिए, ए बी या सी अपने मन में अपने पेपर पे लिखिए. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारा टारगेट अगर 6.5 है तो हमें 1.4% HbA1c कम करना है, और 1.4% HbA1c करने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, ये बहुत सारे एंटी डायबिटिक एजेंट्स ओरल ऐसे हैं जिनमें ये क्षमता है कि वो इतना घटा दें. तो शायद ये स्थिति है जब हम इंसुलिन के बजाय हम ओरल टैबलेट्स, जो हमारे पास बहुत तरह के एजेंट्स हैं, उन पे जाना चाहेंगे. लेकिन अगर यही पेशेंट अनकंट्रोल्ड स्थिति और 10.9 HbA1c हो, तब हम क्या करेंगे? तब हमें इंसुलिन देनी पड़ेगी, क्योंकि 4.5% HbA1c शायद हम किसी एक या दो या कभी कभी तीन ड्रग से भी शायद नहीं घटा पाए. अगर हम पीछे जाएं तो एक चीज और देखें, 212-293 इस ग्लूकोज लेवल पे भी HbA1c 7.9. इसका मतलब क्या है कि अभी हाइपरग्लाइसीमिया रीसेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो 3 मंथ्स का कंट्रोल है वो उतना खराब नहीं है. इसका मतलब अभी रिसेंटली कुछ ज्यादा खराबी की है पेशेंट ने, दवाएं मिस की हैं, एक्सरसाइज एक्टिविटी बंद की है, या घर में कोई फंक्शन है, खाना पीना अनकंट्रोल हुआ है. जबकि यह चीज ज्यादा अच्छी कंट्रोल हो रही है, मतलब मैच कर रही है. लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल भी है 10.9, और शॉर्ट टर्म अनकंट्रोल भी है 212 और 293. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप देखें कि HbA1c है 6% और ग्लूकोज लेवल इतना हाई. इसका मतलब पेशेंट बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन 2-3-4 दिन से दवा बंद हो गई. जब भी आपके पास पेशेंट ग्लूकोज लेवल लेके आए, आप पेपर पे लिखें वैल्यूज, या कंफर्म जरूर करें कि उस पेशेंट ने मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा. क्योंकि बिना लिए मेडिसिन आपको ये कंफ्यूजन मिलेंगे कि HbA1c तो 6.5% और ग्लूकोज लेवल 200-300. ऑन द कॉन्ट्रेरी, ग्लूकोज लेवल 100 और 140 और HbA1c 10.9. इसका मतलब मार्डली अनकंट्रोल था, मार्डली नॉन कंप्लायंट था. अभी रिसेंटली कुछ अच्छा सा काम करके उसने कंट्रोल कर लिया, और उसको रिपोर्ट को देख के हम गुमराह होंगे. तो यह जरूर पता करें कि कब से मेडिसिन ले रहा है, प्रॉपरली ले रहा है या नहीं. इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि पेशेंट को हम किसी पेशेंट को हम ओरल टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं. ये मेडिसिन हैं अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स, जो कि वास्तव में एडोन एजेंट ही है, DPP-4 SGLT2. इनकी HbA1c लोडिंग कैपेसिटी less than 1% है, ये ध्यान रखिए. तो अगर कोई पेशेंट मार्क्ड अनकंट्रोल का आ रहा है तो इन मेडिसिन से काम नहीं चलेगा. जबकि सल्फोनिलूरिया, मेटफॉर्मिन, पैगलिजोन, GLP-1 एनालॉग, ये सब हैं जो रिलेटिवली पोटेंट ड्रग हैं, जो 1.5% या अगर पेशेंट में अभी स्टार्ट किया जा रहा है, न्यूली डायग्नोज पेशेंट है, ड्रग नाइव पेशेंट है, तो 2% तक भी ये HbA1c कम कर सकती हैं. इससे ज्यादा अगर हमें कंट्रोल चाहिए तो हमें बेजल इंसुलिन और बेजल बोलस रेजिमेन बियॉन्ड एनी लिमिट. पेशेंट का 15-16-17 कितना भी HbA1c क्यों ना हो, हम बेजल बोलस रेजिम से उसको कंट्रोल ला सकते हैं. तो जब भी पेशेंट को मेडिसिन लिखें या इंसुलिन डिसीजन हमें लेना हो, तब यह जरूर ध्यान रखें कि जो बाण हम चलाने जा रहे हैं उस बाण की क्षमता कितनी. तो हमें वेट ऑफ द पेशेंट मालूम, हमें ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज मालूम, हमें क्या ग्लाइसेमिक कंट्रोल अनकंट्रोल कैसा है वो मालूम हो, हमें एजेंट कौन सा यूज करना है. देखिए, ACE गाइडलाइंस बहुत अच्छी है इस मामले में. इन्होंने राइट फ्रॉम बिगनिंग पेशेंट को HbA1c लेने पे, सॉरी
लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे और मेटफॉर्मिन पे जब पेशेंट कंट्रोल नहीं हुआ, तब हमने देखा HbA1c लेस देन 7.5 है, मोनोथेरेपी दें। 7.5 से 9% है, डबल ड्रग थेरेपी काम नहीं करता तो ट्रिपल ड्रग थेरेपी दें। लेकिन अगर 9% से ज्यादा है लेस देन 7.5 मोनोथेरेपी, 7.5 टू 9 कॉम्बिनेशन थेरेपी डबल या ट्रिपल। लेकिन अगर मोर देन 9% है तो अधिकांश पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो राइट फ्रॉम देयर इंसुलिन आरंभ कर दिए। तो यह हमको एक ग्रेडेशन कितनी टैबलेट देनी है यह बहुत अच्छा हमको इस गाइडलाइन बताती है। और इसके बाद जो बात अभी हम लोग साथ में कर रहे थे, जो दोनों एक्सपर्ट्स ने कही कि क्या मेडिकेशंस ले रहा है पेशेंट, उसके ऊपर चर्चा कर ले हम। एक ही पेशेंट लेके चलेंगे, 49 ईयर ओल्ड मेल, 3 साल से डायबिटीज, 8.3 HbA1c और ग्लूकोज लेवल 212-293। अब देखिए पेशेंट सिनेरियो सब सेम है, एक पैरामीटर बदलो और डिसीजन बदल जाता है। हम वही ग्लूकोज लेवल लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारा हर पेशेंट के लिए जो डिसीजन है क्लिनिकल डिसीजन वो चेंज है। ये पेशेंट मेटफॉर्मिन 2000 ले रहा है, इंसुलिन देंगे? मैं समझता हूँ आप अवश्य कहेंगे कि पहले भी बात हो चुकी है, आराम से इस पेशेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, हम दूसरे ओरल एजेंसी जोड़ेंगे, इंसुलिन नहीं देंगे। लेकिन अगर पेशेंट ग्लिमिप्राइड 8 मिलीग्राम लेता हुआ, ग्लिमिप्राइड 8 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज, उसके ऊपर ग्लूकोज लेवल इतना है, तब आप मेटफॉर्मिन देंगे, तब आप इंसुलिन देंगे? ABC मन में सोचिए। देखिए ये ध्यान रखिए कि ग्लिमिप्राइड हम सबसे स्ट्रॉन्गर मेडिसिन मानते हैं क्योंकि इसकी हाइपोग्लाइसेमिक पोटेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर पेशेंट को केवल ग्लिमिप्राइड दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग अक्सर करते हैं, और शायद ये हमारे जो एक ट्रेंड ऑफ थेरेपी है उसमें बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने पेशेंट को केवल सल्फोनिल यूरिया पे हम ट्रीट करना चाहते हैं, हर पेशेंट को कुछ ना कुछ इंसुलिन सेंसिटाइजर तो जरूर चाहिए। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रिलीज के डिफेक्ट के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी का डिसऑर्डर है, तो सेंसिटाइजर जरूर चाहिए। यहाँ पे हम केवल सिक्रेटोगॉग दे रहे हैं, तो सेंसिटाइजर जरूर ऐड करिए, हर पेशेंट में कोई ना कोई सेंसिटाइजर की जरूरत शायद अवश्य पड़ेगी। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, और यहाँ पे हम बहुत देर हो गई आप लोगों से बातचीत किए हुए, रोशनी तैयार रही है। ये पेशेंट अगर हमारा ग्लिमिप्राइड 2 मिलीग्राम और मेटफॉर्मिन 1000 लेता हुआ आता है, अब बताइए आप क्या कहेंगे? अभी तक तो आप लोगों ने पेपर पे लिखा नहीं, लिखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस सिनेरियो के साथ आता रोशनी पोलिंग स्टार्ट कि अब आप इस पेशेंट में इंसुलिन देंगे या नहीं देंगे, हमें आपकी चॉइस जानना चाहता हूं। 10 सेकेंड चलिए रिजल्ट्स डिस्प्ले करिए। तो 79% कह रहे हैं हम इंसुलिन नहीं देंगे और 20% कह रहे हैं कि हम इंसुलिन देंगे। चलिए तो हम लोग 80% इंसुलिन अभी भी नहीं देना चाहते, ठीक है। क्यों नहीं देना चाहते? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश है, अगर पेशेंट हमारा टॉलरेट कर रहा है तो मेटफॉर्मिन बढ़ाएं, अगर टॉलरेट कर रहा है ग्लिमिप्राइड बढ़ाएं। लेकिन ग्लिमिप्राइड बढ़ाने से पहले हमारे पास 2-3 एजेंट्स और बहुत अच्छे हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स, वो सेंसिटिविटी भी बढ़ा देते हैं, ग्लूकोगॉन भी सप्रेस करते हैं, तो वो बेटर एजेंट्स हैं। अगर इंडिकेशन है तो SGLT2 इनहिबिटर, हम ग्लिटाजोन्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास चॉइसेस काफ़ी हैं, तो इस पेशेंट में हम अभी शायद दूसरे चॉइसेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब दूसरा एक सिनेरियो लेके आते हैं, यदि पेशेंट हमारा ग्लिमिप्राइड 4 मिलीग्राम ले रहा है और मेटफॉर्मिन 2000 मिलीग्राम ले रहा है, तब आप क्या कहते हैं? अब आप इस पेशेंट में इंसुलिन देंगे या नहीं देंगे? यहाँ पे मैं आपसे पोलिंग नहीं करा रहा, आपको अपने सोच के रखना है कि देंगे या नहीं देंगे। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ग्लिमिप्राइड को हम 4 मिलीग्राम को हम बढ़ा के 5, 6, 7, 8 करेंगे, क्योंकि ग्लिमिप्राइड की मैक्सिमम डोज इज 8 मिलीग्राम, किताब में लिखा हुआ है, और हम 4 मिलीग्राम से 8 मिलीग्राम ले जा रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। लेकिन मित्रों यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि सल्फोनिल यूरियाज हाफ मैक्सिमल डोज पे, आप ये देखें ये फुल डोज है अगर 8 मिलीग्राम, हाफ मैक्सिमम डोज 4 मिलीग्राम पे ग्लिमिप्राइड का इफेक्ट लगभग 80% आ जाता है, या ग्लिक्लाजाइड या ग्लिपिजाइड किसी का। तो हाफ मैक्सिमल डोज 80% काम करती है, 4 मिलीग्राम से 5, 6, 7, 8 करेंगे तो कोई बहुत विशेष
प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा केस जिसमें हम हाफ मैक्सिमम डोजेस ऑफ ग्लिम्फ्राइड अगर या सल्फ्यूल यूरिया ऐड कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, शायद केवल सल्फ्यूल यूरिया बढ़ाने से काम नहीं होगा, हमें और एजेंट्स बढ़ाने होंगे, यह बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद इंसुलिन तो हमारे पास एक अस्त्र है ही। तो यहाँ पे हम मदद लेते हैं अपने एडीए गाइडलाइंस की। एडीए गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि यदि हमारी मेटफॉर्मिन मोनोथेरेपी से कंट्रोल नहीं हुआ पेशेंट, तो बहुत सारे और तरीके हैं। अगर हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना है तो DPP-4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर, ग्लिटाजोन्स या GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग। वेट लॉस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि SGLT2 इनहिबिटर, GLP-1 एनालॉग, जैसे डॉक्टर एनपी सिंह ने बहुत अच्छा एक अपना इसमें कमेंट किया कि कॉस्ट जो हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत मैटर करती है, सल्फोनिल यूरिया और हाइड्रोलिडिनियोन्स या एजेंट हम जोड़ के और अपने पेशेंट्स में काम कर सकते हैं। अगर इनसे काम नहीं चलता तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जब इन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन, जब उससे भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि उनके साथ में हम इंसुलिन को ऐड करें। तो जो हमें याद रखना है कि हर मेडिसिन की इंसुलिन लोअरिंग कैपेसिटी सीमित है। इंसुलिन एक ऐसी चीज है जिसकी असीमित ग्लूकोज लोअरिंग कैपेसिटी है। तो कहीं ना कहीं हमें, जब हमारे इन सीमित संसाधनों से काम ना चल पाए, तो हमें असीमित क्षमता वाली इंसुलिन का चयन करना पड़ता है। तो यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वेट ऑफ द पेशेंट, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, ग्लाइसेमिक कंट्रोल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और मेडिसिन क्या ले रहा है, मेडिसिन लेने की लिखने की भी जरूर आदत डालें कि यह जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है यह कितनी मेडिसिन पे है और हमारे पास अब क्या क्या बचा है। डॉक्टर एनपी सिंह कुछ यहाँ ऐड करना चाहेंगे कोमॉर्बिडिटीज पे जाने से पहले? आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन मैं इसमें एक इंसुलिन का एक और फायदा या वो बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे यहाँ 3-4 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये शुगर फास्टिंग पीपी बढ़ जाती है और HbA1c कंट्रोल रहता है या वाइस वर्सा। ये हमारे यहाँ शादियाँ, त्योहार, बच्चों के बर्थडे, एक क्लिनिकल इनर्शिया जिसे कि मरीज की चलो मैं कल ले लूंगी, और मेडिकेशन नॉन अडियरेंस, ये 4 चीजें बहुत ही ज्यादा प्रबलित है, जिसकी वजह से हमें एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है कि उससे ज्यादा हम प्रश्न पूछें कि क्या ये 4 चीजें उनमें या उनमें से कौन सी चीजें ये इम्पोर्टेंट है उनकी लाइफ में। क्योंकि दवाइयों की डोज हम एक सीमित मात्रा में ही कम या बढ़ा सकते हैं, तो कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कि एक दिन आपके पास 300 करके आएंगे और अगले 4 दिनों बाद वो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया करके भी आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि इंसुलिन एक ऐसी हमारे पास एक वो चीज है जो कि हम पेशेंट के हिसाब से भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर पेशेंट को हम समझाएं और बताएं कि जिस दिन आपके यहाँ फीस्ट है या बर्थडे है या पार्टी है तो आप 2 या 4 यूनिट बढ़ा दें, और जिस दिन आप बिल्कुल ही शांत स्वभाव से और बहुत ही खाना सरल उससे खा रहे हैं तो कुछ यूनिट्स कम भी कर सकते हैं। तो ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी का जो फायदा है वो शायद दवाइयों से इतना ना हो, वो इंसुलिन से हो सकता है। अदरवाइज आपने जो बात कही बिल्कुल बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और दवाइयाँ ये जो 2-3 नई आई हैं SGLT2 इनके, और मैंने पहले भी बताया कि इतना अच्छा प्रभाव है। अल्टीमेटली ट्रीटिंग डायबिटीज इज वन थिंग, प्रिवेंटिंग उनको आगे जाके गुर्दे और हार्ट अटैक ना हो जो कि साइलेंट भी हो सकता है, इसके लिए क्या दवाइयाँ कारगर हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। सो मुझे लगता है कि ये दवाइयाँ तो हम चलाते ही रहें, लेकिन मरीज को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मली एक डायबिटीज वाला मरीज डॉक्टर के से एक संबंध स्थापित कर लेता है और वो लॉन्ग टर्म में एक ही डॉक्टर से फॉलो अप करने की कोशिश करता है। धन्यवाद सर। तो ये पैरामीटर्स हम याद रखें, जो अंतिम पैरामीटर है वो हमारा कोमॉर्बिडिटी। किसी पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, CAD, CHF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। CAD और CHF को अलग अलग कर, दोनों को हार्ट डिजीज करके कॉमनली और एक पैरामीटर नहीं गिनना है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो एंजाइना एमआई लेके मैनिफेस्ट करती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर,
जो हमारा हार्ट फेल्योर के राइट वेंट्रिकुलर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर के रूप में प्रेजेंट करता है, दोनों अलग डिसऑर्डर्स हैं। तो हर हार्ट डिजीज को सेम नहीं मानना। पहला तो जो मेरा मैसेज है वो ये, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट, फैटी लीवर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये जो कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने इसमें डायबिटिक फुट को छोड़ दिया है इन्फेक्टिव और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस में। तो जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, ये जो हमारी कोमॉर्बिड स्टेट्स हैं, अब इनके आधार पे इसी पेशेंट को देखते हैं। सेम मेल, 3 साल से डायबिटीज, 8.3 HbA1c और सेम ग्लूकोज लेवल, मेटफॉर्मिन 2000 ले रहा है। यदि ये पेशेंट सीवीडी के साथ आए, रोशनी इसमें पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक क्या कहती है कि आप इस पेशेंट को इंसुलिन देंगे या नहीं देंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज है इसको, इसको सपोज अभी इसको MI हुआ, अब इस पेशेंट को हम इंसुलिन देंगे या नहीं देंगे? रिजल्ट्स डिस्प्ले करिए, बहुत बढ़िया, 64%, 2/3 लोग कह रहे हैं हम इंसुलिन देंगे और 1/3 कह रहे हैं इंसुलिन नहीं देंगे। और इसी रिजल्ट के साथ में आइए हम लोग इसको आगे डिस्कस करते हैं। आप अभी तक हम लोग इसी बात पे लटके हुए हैं कि इंसुलिन देना है या नहीं देना है। जब तक ये डिसीजन नहीं ले लेंगे तब तक हम इंसुलिन कहाँ देना है, कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, कौन से देना है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला पड़ाव तो यही है कि हम ये डिसीजन लेना सीखें कि इंसुलिन देंगे या नहीं देंगे। आइए एडीए बाबा की मदद लेते हैं। गूगल बाबा जैसे हैं वैसे ही हमारे एडीए बाबा भी हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। और इनका कहना देखिए गाइडलाइंस में कितना सिंपली ये चीज डिक्लेयर की है, फर्स्ट लाइन थेरेपी तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेटफॉर्मिन, यदि पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है तब पेशेंट में हमें स्टेप लेडर पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम एक दवा देंगे, फिर दूसरी देंगे, फिर तीसरी देंगे, फिर चौथी देंगे, ना 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 कुछ नहीं। अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, इवन बिफोर मेटफॉर्मिन, सीधे डायरेक्ट अप्रोच, GLP-1 रिसेप्टर एनालॉग, SGLT2 इनहिबिटर्स। तो हमारे एविडेंस क्या है कि अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, चाहे वो CAD के रूप में हो, चाहे वो CVA के रूप में हो, चाहे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के रूप में हो, अगर एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है तो सीधे हम SGLT2 इनहिबिटर, GLP-1 एनालॉग्स पे जाएं। अपनी लोकल एसोसिएशन हमारी जो है RSSGI, वो क्या कहती है, ऐसे पेशेंट्स में यदि CVD है तो फर्स्ट चॉइस SGLT2 इनहिबिटर ओरली दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। सेकंड चॉइस GLP-1 एनालॉग। हम लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं, कॉस्टली है, जैसे डॉक्टर NP सिंह ने कहा, थोड़ा नॉजिया वोमिटिंग होती है, लेकिन CVD के पेशेंट्स में काम बहुत अच्छा करती है। DPP-4 इनहिबिटर्स न्यूट्रल है, इनके कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है, जबकि पहले दोनों के बेनिफिशियल इफेक्ट है। सल्फोनिल्यूरिया के साथ एक तमगा लगा हुआ है कि कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट्स को बढ़ा देते हैं, ये कहीं ना कहीं जो कार्डिक मायोसाइट्स हैं उसकी पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं, उससे मायोकार्डियल पोटेशियम लेवल चेंज हो जाता है, उससे एरिथमोजेनिक हो जाते हैं, CAD की प्रेवलेंस को बढ़ा देते हैं। हालांकि वो न्यूअर जनरेशन के साथ प्रूव नहीं हो रहा, लेकिन एक बार एक बदनाम हो जाए तो फिर नाम कमाने में बहुत समय लगता है। तो न्यूअर जनरेशन सल्फोनिल्यूरिया उसमें सेफर जरूर है, लेकिन प्रायोरिटी में नीचे आती है। इंसुलिन ऐसे केसेस के लिए नंबर 5 पे रखा गया है CAD के केसेस के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा दो चीजों में डिफरेंस आ गया, एक स्टेबलिश CAD का क्रॉनिक केस है, और जैसे मैंने कहा कि अभी अभी उसको MI हुआ है, ये दोनों केसेस अलग हो गए। अभी अभी MI हुआ है, उस समय हमारी अप्रोच अलग होगी, और उस पुरानी CAD का केस है तब क्रॉनिक CAD में हमारी अप्रोच अलग होगी। इसको अभी डॉक्टर पंकज अभी आगे डिस्कस करेंगे। आज डॉक्टर पंकज बहुत देर से, कभी कभी जो होता है ना पैवेलियन में पैड बांधे हुए आदमी बैठा हुआ है, यार ये तो आ ही नहीं रहा, मेरा नंबर कब आएगा? तो सॉरी डॉक्टर पंकज, आज थोड़ा सा औपचारिकताएं भी ज्यादा थी और थोड़ा सा समय भी ज्यादा लग रहा है, अभी थोड़ी देर आपको पैवेलियन में वेट और करना पड़ेगा, और जल्दी ही मैं आउट होकर अभी वापस आता हूं। तो अगर ये पेशेंट हमारा CVD के साथ मेटफॉर्मिन लेता हुआ आया है तो डेफिनेटली हमारी फर्स्ट चॉइस SGLT2 और GLP-1 ही होंगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं इन दोनों की SGLT2 इनहिबिटर 1% कम कर सकते हैं, तो 8.3 को 7.3 तक ले जाएंगे, 6.5 नहीं लाएंगे, तो शायद अकेले इससे काम ना चले। तो एक सेकेंड एजेंट हमें GLP-1 एनालॉग हो तो बेस्ट है, ना हो तो इसका ओरल कंजेनर जो DPP-4 इनहिबिटर, वो हमें
जोड़ने की आवश्यकता शायद पड़ेगी। आइए दूसरी पॉसिबिलिटी, यही पेशेंट मेटफॉर्मिन 2000 लेता हुआ अगर CHF के साथ आए, आप सोचिए और अपने पेपर पे लिखिए कि अगर CHF के साथ आए तो उस पेशेंट को आप इंसुलिन देंगे या नहीं देंगे। फिर से अगर हम ADA रिकमेंडेशंस की मदद लें तो मेटफॉर्मिन थेरेपी के फेल्योर के बाद अगर उसको एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर इवेंट है तो GLP-1 और SGLT2, अगर उसको हार्ट फेल्योर है तो फर्स्ट चॉइस SGLT2, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की क्लियर कट रिकमेंडेशन है, हार्ट फेल्योर का पेशेंट अरे मेटफॉर्मिन के पहले SGLT2 देनी है। दूसरी सर्कमस्टांस, हार्ट फेल्योर का पेशेंट डायबिटिक नहीं है तब भी SGLT2 इनहिबिटर देना है। तो आप ये देखिए SGLT2 इनहिबिटर हैज बिकम अ वंडरफुल ड्रग अगेंस्ट हार्ट फेल्योर। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं मेरी दवा है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारी दवा है, हार्ट फेल्योर में काम करती है। तो हार्ट फेल्योर में SGLT2 हैज कम अप ट्रेमेंडसली, जैसे डॉक्टर एनपी सिंह ने भी कहा कि कार्डियो प्रोटेक्शन और रीनल प्रोटेक्शन के लिए इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है, और यहाँ पे मेटफॉर्मिन के बाद सीधे ये दवा। तो अगर हमें इस पेशेंट में देना है तो हम इंसुलिन देने से पहले SGLT2 इनहिबिटर, थोड़ा बेनिफिशियल इफेक्ट GLP-1 का भी देखा गया है, DPP-4 हर जगह की तरह यहाँ भी न्यूट्रल है। हाँ, सेक्सागलिप्टिन के साथ थोड़ी सी रिपोर्ट इनिशियली आई थी हार्ट फेल्योर की प्रेवलेंस बढ़ा सकती है, पहले के बाद दोबारा कभी उस तरह की सजेशन रिपोर्ट्स नहीं मिली। तो CHF का केस है तो फिर हम इंसुलिन के बजाय पहले और एजेंट्स हैं जिनको हम यूज करना चाहेंगे। आइए नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, अगर यही पेशेंट CKD लेके आए तब हमारी अप्रोच क्या होगी। फिर सोचिए आपका अपना डिसीजन क्या होगा, इंसुलिन देंगे नहीं देंगे या डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर हम ADA रिकमेंडेशंस को ही दोबारा देखें, मेटफॉर्मिन फेल्योर, पेशेंट को CKD है तो क्या करेंगे, CKD के केसेस में SGLT2 इनहिबिटर और GLP-1 एनालॉग, यही दोनों यहां पर भी काम कर रहे हैं। वाह, हमारी RSSDI क्या कहती है, सेम SGLT2 इनहिबिटर नंबर 1, DPP-4 इनहिबिटर नंबर 2। क्यों, क्योंकि CKD में DPP-4 इनहिबिटर्स न्यूट्रल हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं CKD में, DPP-4 इनहिबिटर्स में हाइपोग्लाइसीमिक टेंडेंसी निल है, अपने आप में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करते, इंसुलिन अगर दे रहे हैं तो इंसुलिन का हाइपोग्लाइसीमिक टेंडेंसी बढ़ा देंगे, सल्फोनिन यूरिया दे रहे हैं तो उनकी हाइपोग्लाइसीमिक पोटेंसी बढ़ा देंगे, स्वयं में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करते। तो हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए ये ड्रग हम इसको सेकंड कैटेगरी में रखते हैं इन CKD पेशेंट्स, लेकिन डोज मॉडिफिकेशन का ध्यान रखना है। एडवांस CKD में जब यूरिन क्लियरेंस कम होने लग जाता है तो सिटाग्लिप्टिन की डोज हाफ से 1/4 डिफरेंट ग्रेडेशंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग ओरल को ज्यादा डिस्कस करेंगे जिस समय, विल्डाग्लिप्टिन की डोजेस हाफ, सेक्सागलिप्टिन की डोजेस हाफ। हाँ, लिनाग्लिप्टिन और टेनिलिग्लिप्टिन, हमारे पास दो DPP-4 इनहिबिटर्स ऐसे हैं जिनको हम फुल डोजेस में यूज कर सकते हैं। सल्फोनिलयूरिया नंबर 3 रीनल क्राइटेरिया के हिसाब से तो सेफ है, स्पेशली ग्लैकलाजाइड, लेकिन हाइपोग्लाइसेमिक टेंडेंसी होती है इसलिए हमें केयरफुली देना है। इंसुलिन नंबर 4, क्योंकि इंसुलिन की हाइपोग्लाइसेमिक टेंडेंसी सबसे ज्यादा है और CKD के पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि रीनल क्लियरेंस मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन कम हो जाता है। और GLP-1 एनालॉग, पहले से ही पेशेंट को नॉजियो वोमिटिंग एनोरेक्सिया हो सकता है, GLP-1 और ज्यादा नॉजियो वोमिटिंग एनोरेक्सिया कर सकते हैं, इनका क्लियरेंस भी प्रभावित होता है, इसलिए ये फिफ्थ प्रेफरेंस पे। तो CKD के पेशेंट में फिर से SGLT2 इनहिबिटर्स नंबर 1 है, मैजिक पिल मिली है हमको। तो अगर इस पेशेंट में हमें डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली इंसुलिन से पहले SGLT2 इनहिबिटर, शायद इतने में काम नहीं चल पाएगा तो DPP-4 इनहिबिटर साथ में जोड़ेंगे। हाँ, मेटफॉर्मिन की डोज को एडजस्ट करना ना भूलें, जैसे DPP-4 की इनहिबिटर्स की डोजेस को एडजस्ट करना होता है वैसे ही मेटफॉर्मिन की डोजेस को एडजस्ट करना होता है। 45 से कम अगर EGFR है तो हम मेटफॉर्मिन की डोज को हाफ करते हैं, 1000 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं देते, और अगर 30 से कम है तो हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो मेटफॉर्मिन की डोज को एडजस्ट करना हमें ध्यान रखना है, लेकिन SGLT2 इनहिबिटर्स
हमारे लिए बहुत यूजफुल है। कुछ और कोमॉर्बिडिटीज जो हैं, CVA इस्केमिक CVA तो हमारा वो SGLT2 इनहिबिटर GLP-1 एनालॉग वहाँ पे ऑफ चॉइस रहेंगे, लेकिन फैटी लीवर, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते। तो यहाँ पर किसी केस में कोई क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं है कि दिस ड्रग इज सुपीरियर टू दिस ड्रग। हाँ, डिस्कस करने में हम लोग माइनर चेंजेस हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। फैटी लीवर में हम जानते हैं कि पायग्लिडिजोन इंट्रा ऑर्गेनल फैट को सबकुटेनियस फैट में शिफ्ट करने में मदद करता है, तो लीवर का फैट एक्युमुलेशन कम करके फैटी लीवर में लाभ दे सकता है। लेकिन अगर फैटी लीवर विद एडवांस्ड स्टेज में हो, हमारे SGPT मोर देन 100 बढ़े हुए हों, तो शायद वहाँ पे हम पायग्लिडिजोन देने से हम बचना चाहते हैं। तो लेस देन 100 अगर SGPT है तो हम पायग्लिडिजोन रेटिनोपैथी के केसेस में एक क्लियर कट एक रिकमेंडेशन है कि अगर मैकुलर एडिमा है तो पायग्लिडिजोन जो वाटर रिटेंशन करता है मैकुलर एडिमा बढ़ा सकता है, तो हम उससे बचें। पेनफुल न्यूरोपैथी और वेट लॉस से आकर, तो डायबिटिक एमायोट्रोफी, अगर पेनफुल न्यूरोपैथी और वेट लॉस है वहाँ पर हमारा मेटफॉर्मिन जो कि और एनोरेक्सिया और वेट लॉस करा सकती है, तो उसको हम रोक कर, और इंसुलिन थेरेपी बहुत अच्छा काम करती है डायबिटिक एमायोट्रोफी में, तो वहाँ पे हम न्यूराइटिस में इसको जरूर हम प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज इन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो मित्रों, अभी तक आप सोच रहे होंगे इंसुलिन थेरेपी पे कोर्स कह रहे हैं और इंसुलिन हर जगह कहते रहे कि नो इंसुलिन, यहाँ पे ड्रग दो, क्योंकि मुझे हमेशा वो याद आता है कि हमारे प्रोफेसर जो कहते थे, उनका एक कमेंट था, बेटा फर्स्ट लर्न कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ए मेडिसिन बिफोर लर्निंग इट्स इंडिकेशन, तो गलत मत करो। तो यहाँ पे इंसुलिन को जबरदस्ती देने के लिए, इंसुलिन थेरेपी का पे कोर्स है तो हम हर पेशेंट पे इंसुलिन देंगे, ये अप्रोच लेके नहीं चलनी। हमारे पास आज 2021 में बहुत अच्छे अच्छे एजेंट्स हैं, उनको हमें जुडिशियसली यूज करना है, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आप लोगों को गाइड करने में मदद की कि वेट ऑफ द पेशेंट, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, मेडिकेशन और कोमॉर्बिडिटी स्टेटस, उनके आधार पे हमें इनका चयन करना है कि कौन सी दवा देनी है, कौन सी नहीं देनी है, उसके बाद इंसुलिन का नंबर आएगा। सर, कुछ आप इसमें ऐड करेंगे? तब डॉक्टर पंकज चौधरी बहुत देर से पैड बांधे बैठे हैं। जी बस, अब वो ड्रिंक इंटरवल हो गया तो पंकज तुम आ सकते हो। मैं इस पे सिर्फ एक ही बोलूंगा कि चूंकि रिकमेंडेशन है CKD में SGLT2 इनहिबिटर्स के लिए, तो ये CKD एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी की डेफिनेशन होगी, जिससे कि हम जब डायबिटीज की वजह से होते हैं तो डायबिटिक किडनी डिजीज कहते हैं। इसमें दो पैरामीटर्स हम देखते हैं, एल्बुमिन को देखते हैं जो यूरिन में आता है, या एल्बुमिनूरिया, या फिर क्रिएटिनिन की मात्रा को देखते हैं। बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स, एक ध्यान रखें कि जब भी हम SGLT2 या इवन कुछ और दवाइयाँ हैं जो कि ACE inhibitors, ARBs, किसी और उसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो दोनों जब हम स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है कि ये थोड़ा सा ये SGLT2 डिहाइड्रेशन इनिशियली करेगा, वेट लॉस करेगा, फ्लूइड लॉस करवाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनिशियली, इनफैक्ट आपको याद होगा कि शुरू में जब ये SGLT2 इनहिबिटर्स आए थे तो AKI इसका एक खतरा बताया गया था, लेकिन वही चीज जो है वो क्रिएटिनिन थोड़ी सी बढ़ा के या पोटेशियम को भी थोड़ा सा वो बढ़ा के, लेकिन ऐसे ही पेशेंट्स को वो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद देता है। तो हम पेशेंट को समझा दें कि आप चिंता ना करें, अभी कि आपका क्रिएटिनिन 1.5 है या EGFR 45, 50, 60 ml है, शोध ये बताते हैं कि ये जो दवा है ये आगे जाकर आपके गुर्दों को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये एक समझाने वाली बात है जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कुछ सिलेक्टेड उमदा लोगों में, कुछ लोगों में थोड़ा थोड़ा क्रिएटिनिन ज्यादा भी बढ़ सकता है, तो इसको चिंता ना करें, पेशेंट को हाइड्रेट थोड़ी सी कर दे तो वो चीज भी एक बाहर आ सकती है। मुझे जैसा हम लोग का ACE inhibitor और ARB के साथ होता है, इनिशियल देयर मे बी अ लिटिल बिट राइज इन क्रिएटिनिन एंड पोटेशियम, लेकिन बाद में फिर वो बेनिफिशियल रहते हैं। मुझे सल्फोनाइल यूरिया में भी थोड़ा सा डर लगता है। आपने बिल्कुल कहा कि शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया ग्लिसराइड जो है
वो सीकेडी में अच्छे हैं और वो क्योंकि डोज हाफ कर दीजिए और वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में भी जानकारी उनको देनी जरूरी होती है। इंसुलिन की हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बट अभी जैसे कि शायद एविडेंस हो गया है तो पांचवी स्थान पे रखा गया, मेरे लिए वो चौथे स्थान पे आ जाएगा अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। और वो है जहाँ तक DPP-4 इनहिबिटर्स का सवाल है, यस आपने बिल्कुल सही बताया कि डोज की रिक्वायरमेंट कुछ दवाइयों में कम हो जाती है, लेकिन अगर क्योंकि आपको वही कॉस्ट आधी हो जाएगी पेशेंट के लिए क्योंकि ये भी थोड़ी महंगी दवाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फुल डोज देने पे उसकी असर ज्यादा होगा या वो नुकसान करेगा, नहीं, लेकिन कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी डोज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दवाइयों की, कुछ DPP-4 इनहिबिटर्स की डोज को आधी कर देगी। अन्यथा आपने जो बताया मुझे लगता है कि बहुत ही सरल और बहुत अच्छे शब्दों में आपने सारा सार दे दिया। अब पंकज को मुझे लगता है बुला लेना चाहिए। डॉक्टर राजेश, कोई यहाँ पे आपका इनपुट हो तो उसके बाद फिर हम डॉक्टर राजेश अग्रवाल। या डॉक्टर पंकज, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप हर एक स्लाइड पे पूरी डायबिटीज पढ़ा देते, एवरी टाइम एक स्लाइड पर, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर एक्सप्लेनेशन कि हर एक पैरामीटर को लेके आप डायबिटीज पढ़ा देते हैं, ऑल गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग, अल्टीमेट वंडरफुल। धन्यवाद सर, आपका बड़प्पन है आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये बहुत अच्छी, मैं मतलब रिवीजन भी साथ का साथ होता जाता है, और अगर एक लेक्चर में 10 बार अगर लोगों ने सुन लिया देन दे विल रिमाइंड इट, रिमेंबर इट। धन्यवाद। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट एवरी ड्रग हैज सम इफ्स एंड बट, एवरी ड्रग, सो वी हैव टू कीप ऑल दोज इफ्स एंड बट व्हाइल चूजिंग ए ड्रग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ पेशेंट रिगार्डिंग इंसुलिन, बट यू हैव ऑलरेडी सेड that if patient is coming with a insulinopenic features like catabolism, like a significant weight loss with higher degree of insulin, whether it is type 1 or A1C, whether it is type 1 or type 2 diabetes, you should start with insulin initially, control it, and you can stop it or taper it in near future. After a few months or few weeks only, that will be sufficient, and that primary legacy or glycemic, good glycemic legacy will help for whole life. मैं इसको सरल हिंदी में ऐसे बोलता हूँ कि जिसने आपके बुरे वक्त में साथ दिया, यानी जब पेनक्रियाज बहुत सिक है और उस समय अगर आपने उसको रेडीमेड इंसुलिन दे दिया तो that he will remember for whole life, और जिसने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, यानी ब्लड ग्लूकोज इज वेरी हाई, A1C इज वेरी हाई, और उस समय आपने उसको 2-4 ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग दे दी, तो वो बीमार आदमी को और बीमार पेनक्रियास से और ज्यादा काम कराएगा, तो ही विल रिमेम्बर फॉर होल लाइफ कि इसने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया था, तो वो बैड ग्लाइसिमिक लिगेसी, तो गुड ग्लाइसिमिक लिगेसी एंड ब्लेड ग्लाइसिमिक लिगेसी तो बुरे वक्त से जोड़ दें, तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेम्बर, दैट इज वन थिंग। एंड रिगार्डिंग क्रॉनिक किडनी डिसीज, आई वुड से दैट देर आर grades of chronic kidney disease, you have already said, and Dr. N.P. Singh, if creatinine is very high, suppose 5, then there is no choice, only insulin. Yeah. But if it is very initial microalbumin only, or slightly raised creatinine, eGFR 60 to 90 or 50 to 90, then you have enough choices, SGLT2 inhibitors and DPP-4 inhibitor, GLP-1 receptor analog. And one very important point regarding GLP-1 receptor analog, those patients who are having established cardiovascular disease and they are on multiple insulin injections and their diabetes is not controlled, they are taking 100 or more than 100 units of insulin, they are the right persons to accept GLP-1 receptor analog because the number of injections are decreased. Weight loss is there, atherosclerotic cardiovascular disease will be taken care of, chronic kidney disease will be taken care of. So they are the right person. Number of, once a week if you give GLP-1 receptor analog like dulaglutide, then it will be really a miracle for them. And they really accept, I have seen in my practice. And one more important practical experience, that if a patient coming new onset diabetes,
whatever may be the A1C, maybe more than 15, initial 3 months treatment, right treatment, whether it is with insulin or with without insulin. आइए सर डॉक्टर, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि कुछ भेद खुल जाएंगे जो डॉक्टर पंकज अभी डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ. और पंकज चौधरी जी, आप अपने केसेस प्रेजेंट करिए और फिर हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं. डॉक्टर पंकज. धन्यवाद सर. एंड हम लोग जुड़े थे सर फर्स्ट मॉड्यूल में, वो भी बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ था और मुझे खुशी है कि मैं इसका दोबारा से पार्ट बना हूँ. सो मित्रों, जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला है कि ये इंटरेक्टिव सेशन है और हमें यहाँ से कुछ सीख के आना है. देखिए, ड्रग्स बहुत हैं, जैसे डॉक्टर एनपी सिंह सर ने बोला है, डॉक्टर राजेश ने बोला है, ड्रग्स बहुत सारी हैं हमारे पास, तो कौन सी दवा कब यूज़ करनी है ये इम्पोर्टेंट है. एंड डॉक्टर पंकज ने बोला है कि कौन सी दवा कब यूज़ नहीं करनी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे हमें इंसुलिन कब यूज़ नहीं करनी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो है इस फर्स्ट मॉड्यूल की है कि व्हेन नॉट टू यूज़ इंसुलिन. जैसे हमारा अभी तक डॉक्टर पंकज ने बोला है कि किस किस कंडीशंस में इंसुलिन यूज़ नहीं करनी है हमको. सो जैसा कि आपको सबको मालूम है कि इंसुलिन की जो इन्वेंशन मैं बोलूँगा 1921 में हुआ था और हम लोग 2021 में है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 100 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं इंसुलिन को. एंड इट इज़ अ वंडरफुल ड्रग. और जैसा डॉक्टर पंकज ने बोला कि इससे इफेक्टिव ड्रग जो है अभी तक कोई नहीं है जहाँ तक डायबिटीज़ का सवाल है. लेकिन कब इसको इनिशिएट करना है, कैसे यूज़ करना है, ये हमारी वर्कशॉप का एक उद्देश्य है और हम इनको 5 मॉड्यूल्स में पूरा करेंगे. और आज का फर्स्ट मॉड्यूल है. शुरू की कुछ ग्लिचेस थी, टेक्निकल ग्लिचेस थी, जो कि आई थिंक सारे प्लेटफॉर्म में होती हैं. लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं क्योंकि हम फिजिकल मीटिंग में 10, 15, 20, 50 लोग से जुड़ते हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग 200, 250, 400, 500 लोग से जुड़ जाते हैं, तो एक जो मैसेज है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पॉपुलेट हो जाता है और यही हमारा उद्देश्य है इस वर्कशॉप का. तो डॉक्टर एनपी सिंह सर, टीचर्स डे था और आप हमारे गुरु हैं सर, एंड आपसे बहुत कुछ सीखा है हम लोग ने, एंड हम लोग सब सीखते रहते हैं आपस में. और डॉक्टर एनपी सिंह सर हमेशा बोलते थे जब हमारे पास थे मैक्स में कि स्टूडेंट भी अच्छा टीचर होता है, स्टूडेंट भी पढ़ाता रहता है टीचर्स को और टीचर्स भी सीखता है रोज. ये बड़ा अच्छा, अच्छे स्टूडेंट से ही बनता है जी. तो ये अच्छा रिलेशनशिप जो हमारा एनपी सिंह सर का बना है 30 सालों से, और हम लोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं और एक प्लेटफॉर्म बनाया मिला है हम लोग को जिससे हम लोग सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी. तो कुछ केसेस लेते हैं और एनपी सिंह सर, मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग और क्या कर सकते हैं इस केस के बारे में. तो पहला केस लेते हैं हम लोग. सो दिस इज अ क्लिनिकल केस. हमारे पास डायग्नोसिस है A1C 8.3% और ये कुछ ड्रग नाइव मतलब कोई ड्रग नहीं रहा पेशेंट. और हमारे पास आया है वो शुगर लेके, फास्टिंग है इसका 172 और आफ्टर ब्रेकफास्ट जिसको हम लोग पोस्ट पेंडली बोलते हैं वो है हमारा 243. सो जैसा कि हमने अभी पहले पार्ट में देखा कि विल यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन, यस नो कांट से, तो आई थिंक अब तक बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास इस पेशेंट के बारे में जो जानकारी नहीं है, चलने फिरने में आसानी, हेलो, एज जो है नहीं है, वेट नहीं है, कोमोबिडिटीज नहीं है, तो हम अकॉर्डिंगली हम डिसाइड नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप देखेंगे कि फास्टिंग 172 है, 243 है, ड्रग्स नहीं ले रहा है और हमारे पास ड्रग्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसुलिन. सो प्रॉबली नॉट. रीज़न जैसे हमने सीखा है कि काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जैसे एडी गाइडलाइंस कहती हैं, इस गाइडलाइंस कहती हैं कि स्टार्ट विद लाइफस्टाइल एंड मेटफॉर्मिन, तो हम काफ़ी इस पर वर्क कर सकते हैं. तो डोंट जंप ऑन कि हम नहीं इसमें इंसुलिन देना है, तो इंसुलिन अभी नहीं देना है, चाहे A1C हमारा 8.3 क्यों ना हो एट द बिगनिंग. सो पोल लेते हैं डॉक्टर पंकज, ले सकते हैं, टाइम है हमारे पास. जी जी प्लीज ले सकते हैं, पोल ले सकते हैं, राइट. हम लोग लास्ट वाला जो केसेस हैं उसको हम रोक लेते हैं, राइट. और आज हम लोग उस आपके सेशन तक ही रखते हैं, इसके बाद डिस्कस कर लेंगे. ठीक है सर, राइट. सो अनदर एक केस सिनेरियो लेते हैं हम लोग एट डायग्नोसिस. बड़ा इंपॉर्टेंट है एट डायग्नोसिस कि हमारे पास पेशेंट आया और उसका हमने A1C कराया वो 12.3 है, उसका जो फास्टिंग है डे वन पे वो 312 है और पोस्ट पेंडियल 343 है, 343, एंड पेशेंट कुछ नहीं ले रहा है वो. नाउ विल यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन, तो हम लोग पोल लेते हैं. पोल लॉन्च करिए, रोजी पोल लॉन्च कर दीजिए. परफेक्ट. ग्रेट. तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि 66% लोग बोल रहे हैं कि यस हमें इंसुलिन शुरू करनी चाहिए, और अभी भी 32% लोग कह रहे हैं
कि हमें वेट करना चाहिए, हमें इंसुलिन नहीं देना चाहिए। सो डॉक्टर एनपी सिंह सर, आप आपका राय क्या है इस बारे में? पंकज, ये मरीज ऐसा है कि इसको सिम्टम्स भी होने लाजमी है, उसके बिना भी HbA1c 12% बहुत हाई है, और ये पेशेंट ऐसा होगा कि इसको कुछ दिनों से भी शुगर वही होगी और फास्टिंग पीपी भी बहुत बढ़ी हुई है। तो मैं चाहूंगा कि ये इसको एटलीस्ट पहले 3 महीने तक हम इसको इंसुलिन पे ही इनिशिएट करें, ताकि इसका जो लेगेसी इफेक्ट वाली तो बात है, बट जो कंट्रोल करना है हमें उसको थोड़ा रैपिडली करना है। दवाइयां भी स्टार्ट की जा सकती, लेकिन उससे जो कंट्रोल होता है और उससे HbA1c की को कम करने की, जैसे कि पंकज ने बहुत क्लियरली बताया डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने, कि उसको टाइम लगेगा। तो इस सिचुएशन में मैं चाहूंगा और मरीज को समय दूंगा समझाने में कि क्यों ये जरूरत है कि इसको एक बेसल एनालॉग देने की जरूरत है। राइट, मैं तो आपसे मैं सहमत हूँ। मैं मतलब मुझे लगता है कि ये मरीज अब इंसुलिन हकदार होगा। जी, देखिए दो बातें डॉक्टर पंकज ने बात बोली थी कि हमारा इनिशियल कंट्रोल कैसा है, हमारा पास कंट्रोल कैसा है। आप देखिए कि अब जो कंट्रोल चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट कंट्रोल चल रहा है वो भी खराब है, और जो पास का जो कंट्रोल है थ्री मंथ्स का वो भी खराब है। तो मेडिसिन प्रोबेबली इसमें काम नहीं करेंगी। हो सकता है कि पेशेंट को ग्लूकोटॉक्सिटी हो रही हो, या किसी पेशेंट किसी कोमोबिडिटी साथ आया है, या कोई इन्फेक्शन साथ आया है। सो हम लोग बोलेंगे प्रोबेबली यस, स्पेशली इफ सिम्टोमेटिक। जैसे डॉक्टर एनपी सिंह सर ने बोला कि सिम्टम्स देखने हैं, सिम्टम्स ऑस्मोटिक सिम्टम्स देखेंगे कि उसको जैसे पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, फटीग हो रहा है। रीजन क्या है? बिकॉज अगर हम ये बात करते हैं कि इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम ग्लूकोटॉक्सिटी को ओवरकम कर सकते हैं अगर रैपिडली, तो हम पेशेंट को काफी बेनिफिट दे पाएंगे। बट जैसा कि बोला है कि कुछ हम लोग कुछ स्टार्ट भी कर सकते हैं, अगर सपोज पेशेंट्स जो है पेशेंट इतना सिक नहीं है, तो हम इंसुलिन के साथ साथ कुछ मेडिसिन भी शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टार्ट मेटफॉर्मिन, और अगर कुछ कॉम्पेलिंग इंडिकेशन बनते हैं तो अदर ड्रग्स भी हम शुरू कर सकते हैं। तो यस, डॉक्टर एन पी सिंह ने बोला कि इस पेशेंट को इंसुलिन हम शुरू करेंगे, और फिर हम लोग जो है इस की गाइडलाइंस की हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छे से बताया था डॉक्टर पंकज ने रिगार्डिंग इस गाइडलाइन, बड़ी अच्छी गाइडलाइंस रहती है हम लोग को। वो एंट्री पॉइंट देखती हैं कि A1C कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंट्री पॉइंट पे A1C 9% से ज़्यादा है और पेशेंट को सिम्टम्स हैं, तो डेफिनेटली इंसुलिन इज द बेस्ट एजेंट। और अगर सिम्टम नहीं है तो ड्यूअल और ट्रिपल थेरेपी पे हम लोग काम कर सकते हैं, और अगर वो अफेक्टिव नहीं है तो हम इंसुलिन को ऐड कर सकते हैं, उसको इंटेंसीफाई कर सकते हैं। तो ये एज गाइडलाइंस अच्छे से बताया है कि हमको एंट्री पॉइंट पे A1C देख के सिम्टम्स चेक करना है, और सिम्टम्स हैं और A1C 9% से ज़्यादा है तो हम उसमें इंसुलिन शुरू करेंगे, चाहे उसको ड्रग नाइव है, चाहे वो आप उसको पहली बार देख क्यों ना रहे हो। सेकेंड केस लेते हैं हम लोग। सो दिस इज अ केस ऑफ 1 year ऑफ डायग्नोसिस डायबिटीज। जैसे हमने बोला कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। A1C 6% है और कंसीव्ड हो गया, इज बिकम प्रेगनेंट नाउ। अब देखिए उसका फास्टिंग और पीपी आपके पास आया है, फास्टिंग 92 और पीपी जो है 123 है उसका, और ऑलरेडी वो मेटफॉर्मिन 1000 mg पर डे ले रहा है। अब जो हमारे प्रेगनेंसी में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो गोल्स होते हैं, वो डेफिनेटली नॉन प्रेगनेंट लोगों से कम होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। सो इसके हिसाब से आपको लगता है कि कंट्रोल है, विल यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन और विल यू लाइक टू वेट? सो फिर हम पोल लेते हैं, रोशनी पोल शुरू करेंगे। सो इस पेशेंट्स में आप इंसुलिन स्टार्ट करेंगे, यस नो और कांट से? रोशनी पोल लॉन्च करिए। राइट, सो रिजल्ट शेयर करते हैं हम लोग। सो 72% बोल रहे हैं कि हमें इंसुलिन शुरू नहीं करनी है, और 24% बोल रहे हैं कि हमें इंसुलिन शुरू कर सकते हैं। सो अभी भी डिवाइडेड है, लेकिन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि इंसुलिन शुरू करनी चाहिए। GTM बड़ा बहुत वास्ट टॉपिक है, और हम लोग शायद उसको कवर नहीं कर पाएंगे आज की, लेकिन फिर भी कुछ सेलेंट पॉइंट्स हम लोग बात कर सकते हैं। डॉक्टर एनपी सिंह सर, आपका क्या विचार है इस बारे में? जी, मैं ये कहूंगा कि इंसुलिन एक गोल्ड स्टैंडर्ड है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज में या जेस्टेशनल डायबिटीज में, लेकिन बहुत क्लियरली स्टडीज रिसेंटली आई हैं जिन्होंने कि मेटफॉर्मिन को भी कहा है कि सेफ है और एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव है, कोई सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है। अभी ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि इसमें शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल में है, मेटफॉर्मिन वो चला रहा है, और ऑडियंस का पॉल भी काफी हद तक फेवर में है,
तो मुझे मैं भी ऑडियंस के साथ ही जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि इसको हम कंट्रोल करते रहे उसके बाद जैसा नहीं होता इसको हम लोग फॉलो करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि जीडीएम जैसे एडवांस होती है वैसे वैसे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आ जाती है या फिर शुरुआत हम कर सकते हैं। तो A1C कंट्रोल है, फास्टिंग पीपी कंट्रोल है, मेटफॉर्मिन ऑल ले रहा है। डॉक्टर एनपी सिंह, आप मेटफॉर्मिन बंद करना चाहेंगे इस केस में? अगर वो 1000 मेटफॉर्मिन ले रही है और कंसीव हुई है, मुझे लगता है कि शायद उनको पहले से ही टाइप 2 डायबिटीज होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा, अभी के एचबीए1सी 6% है, लेकिन स्टिल आई वुड नॉट स्टॉप मेटफॉर्मिन एट दिस स्टेज। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। So, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज पेशेंट मेटफॉर्मिन पे कंसीव्ड हो गया है, हो सकता है उसको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है कि हमने उसमें शायद पीसीओडी का कुछ एलिमेंट होगा, हमने मेटफॉर्मिन शुरू की गायनेकोलॉजिस्ट ने। सो अब मेटफॉर्मिन हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे आए हैं कि अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन पे है और वो प्रेगनेंट हो गई है तो या फिर मेटफॉर्मिन या पेशेंट मेटफॉर्मिन नहीं है, वो प्रेगनेंट हो गई है, तो उसमें क्या मेटफॉर्मिन शुरू कर सकते हैं, इस कर सकते हैं सुनने से पहले? तो ये एक डिबेट का हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी पेशेंट मेटफॉर्मिन पे हो रहा है तो सारी गाइडलाइंस कहती है कि डोंट डिसकंटिन्यू मेटफॉर्मिन, यू कंटिन्यू फॉर मेटफॉर्मिन एंड स्टार्ट इंसुलिन एज पर नीड। सो बिल्कुल सही लोगों ने डिसीजन लिया है, मैक्सिमम लोगों ने, कि हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज पेशेंट ऑलरेडी कंट्रोल में है, A1C 6% है, लेकिन मेटफॉर्मिन जो है हम लोग क्या उसको बढ़ा सकते हैं? कैन वी गो टाइटर टू 2000 mg? डेट कैन बी अ क्वेश्चन, लेकिन अभी अगर 1000 mg पे कंट्रोल है, इवन 6% है, तो हम लोग ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहेंगे। और जैसे आगे शुगर बढ़ती है पेशेंट की, आगे जेस्टेशन बढ़ता है उसका, देन वी कैन टेक अ कॉल, राइट? ओके, दूसरा हम लोग केस ना लेते हैं, दिस पेशेंट सेम पेशेंट फास्टिंग 112, पोस्टमार्टम 143, इवन 6%, डायग्नोसिस 1 ईयर, अब कंसीव हो गई है, पेशेंट वाज टेकिंग ग्लिमिपराइड 1 mg पर डे एंड मेटफॉर्मिन 1000 mg पर डे, विल यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन दिस पेशेंट नॉट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट जैसे बोलते हैं डॉक्टर एनपी सिंह सर के सल्फोनामाइड यूरिया हम लेते हैं, लेकिन सल्फोनामाइड यूरिया का प्रेगनेंसी में क्या रोल है वो भी हमको मालूम होना चाहिए। इस केस में सर क्या करना चाहेंगे आप? ये लगता है कि अभी ये कैटेगरी सी में आती ग्लिमिपराइड, जो कि इसमें स्टडीज इतनी ज्यादा नहीं है, बट रिस्क रहेगा, तो आई वुड प्रेफर स्टॉपिंग ग्लिमिपराइड, और उसके बाद में क्योंकि शुगर कंट्रोल में है तो मैं देखूंगा कि अगर मेटफॉर्मिन से चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको इंसुलिन शुगर्स को मॉनिटर करते हुए इंसुलिन स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन, जैसे आपने पहले बताया कि मेटफॉर्मिन 2000 mg तक हम जा सकते हैं, बट डेफिनेटली मैं ग्लिमिपराइड नहीं चाहूंगा कंसीव करते हुए उसको ये दवाई दूं। जी जी, ओरिजिन बहुत इसमें स्पष्ट है कि ग्लिमिपराइड जो है प्लेसेंटा क्रॉस करती है और कैन कॉज सम फीटल इश्यूज विद ग्लिमिपराइड। सो ग्लिमिपराइड हमको बंद करना है, मेटफॉर्मिन हमको कंटिन्यू करना है, मेटफॉर्मिन हम 2 ग्राम तक जा सकते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सल्फोनूरिया सेफ है प्रेगनेंसी में। तो कोई चैट बॉक्स में जाके हम बता सकते हैं कि कुछ स्टडीज हुई हैं कि वन ऑफ द सल्फोनूरिया जो कि सेकेंड जनरेशन है वो सेफ है। अगर पेशेंट कंसेंट देता है और पेशेंट इंसुलिन नहीं लेना चाह रहा है तो हम पेशेंट की कंसेंट के साथ वो सल्फोनूरिया हम प्रेजेंट उसको लिख कर सकते हैं। तो हम लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे और वैन हम लोग बाद में डॉक्टर एनपी सिंह डिस्कस करेंगे कि क्या वो सही ऑप्शन है। सो फिलहाल हम लोग अभी इंसुलिन पे हम लोग जाएंगे बिकॉज ग्लिमिपराइड जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जैसे बोला डॉक्टर एनपी सिंह ने, क्लास बी सी ड्रग है, मेटफॉर्मिन कंटिन्यू करेंगे हम लोग एंड इंसुलिन इज ओनली अप्रूव्ड एजेंट, ये हमको मालूम है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो पोलिंग है, ये हम लोग अब अदर सिचुएशंस आते हैं हमारे पास जो कि बहुत कॉमनली हम लोग फेस करते हैं इन आर डे टू डे प्रैक्टिस। 3 ईयर्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, A1C 6.3%, फेयरली कंट्रोल्ड, पेशेंट को सर्जरी करनी है फ्रैक्चर शेफ्ट फीमर के लिए, पेशेंट का जो प्रोफाइल है फास्टिंग 112, पोस्ट पेंडल 143, वो ऑलरेडी ग्लिमिपराइड 2 mg पर डे ले रहा है, मेटफॉर्मिन 2 ग्राम पर डे ले रहा है, वुड यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन और नॉट? सो दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो हम लोग हॉस्पिटल में जो कि प्रैक्टिस है वो देखते हैं, और आपके पास कॉल आता है कि इस पेशेंट को हमें क्या करना है। सो आप क्या लिख के आएंगे अपने उसमें एडवाइस में कि इस पेशेंट को इंसुलिन लेना है या नहीं लेना है? ये पोलिंग करा लीजिए डॉक्टर जी, पोल स्टार्ट करिए। थोड़ा सा 50-50 हो रहा है सर। जी जी, थोड़ा सा मतलब टुवर्ड्स इंसुलिन के लोग तरफ जा रहे हैं।
सो हम लोग इंसुलिन क्यों दे रहे जाते हैं इस केस में? एनपी सिंह सर, पेशेंट एक्चुअली ये हमें समझना जरूरी है कि अभी तक उसकी डायबिटीज बहुत अच्छी कंट्रोल में थी इन दो दवाइयों से. सडनली अगर हम ये दवाइयां बंद कर देंगे और इंसुलिन हम स्टार्ट कर देंगे, यस ड्यूरिंग द डे ऑफ सर्जरी ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या हम उसको जीए दे रहे हैं या स्पाइनल में ही कर रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं उस दवाई को एंड तक दूंगा. जिस दिन सर्जरी है उस दिन मैं उसकी शुगर को मॉनिटर करूंगा और जैसे ही वो ओरली लेना शुरू करता है, क्योंकि आज के दिन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और मॉडर्न टेक्निक ऑफ एनेस्थीसिया में सेकेंड डे से ही हो जाएगा, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा. अननेसेसरली एक पेशेंट की कंट्रोल शुगर को, जो कि आगे भी मैं चाहूंगा कि पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज में कंट्रोल रहे, तो मैं इंसुलिन नहीं शुरू करूंगा. जी जी सर, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिनेरियो है, केस सिनेरियो, और यही सीखते हैं हम लोग, केस डिस्कस करते हैं और सीखते हैं हम लोग कि आगे जाके हम डिसीजन ले पाते हैं. तो जैसे बोला 60% बोला कि लोग हम देंगे, हम क्यों देंगे, बिकॉज A1C 6.3% है. और 10% बोला कि हम कौन सा एनपीसी दे रहे हैं, हम लोग जीए दे रहे हैं, हम लोग स्पाइन में कर रहे हैं, हम लोग कब से पेशेंट जो है एनपीओ रहेगा, कि कब तक पेशेंट ओरली लेने लगेगा. तो मेरे ख्याल से ये स्पाइनल में हो जाएगा ये, और आफ्टर मेरे ख्याल 3 to 4 hours पेशेंट ओरली ले लेगा. अगर हम इस कंडीशन दवाई बंद कर दें तो डेफिनेटली पोस्ट ऑपरेटिव हमारी शुगर्स काफ़ी बढ़ जाएंगी, बिकॉज ग्लिमिपराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, जैसे डॉक्टर पंकज ने पहले बोला था. तो अगर हम इसको दवाई बंद कर देंगे और पोस्ट ऑप में शुगर बढ़ेगी, तो पेशेंट माइट नीड हाई डोज इंसुलिन. तो अब ये पेशेंट कंट्रोल है, 6.3% पे है, एनपीओ नहीं है ज़्यादा देर तक, तो हम लोग शायद हम इसमें केस में इंसुलिन नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि गुड कंट्रोल है और ओरल इंटेक जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है इस केस में. तो हम पेशेंट को ऑपरेट कराएंगे और सेम मेडिसिन को कंटिन्यू करेंगे. दूसरा सिनेरियो, सेम पेशेंट इस तरीके का आता है, सिनेरियो आता है, 3 साल डायग्नोसिस है, 6.3 है. सर एक्सक्यूज मी, जी सर, सर जब आप क्वेश्चन डालते हो तो आपको सारा कंडीशन बताना होगा, क्योंकि इसमें अब ये 3 घंटा के लिए एनवीएम होगा, ओरल 3 आवर के लिए नहीं लेगा या 24 घंटा नहीं लेगा, ये क्लियर होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ड्यूरिंग इंसुलिन, ड्यूरिंग सर्जरी इंसुलिन इज प्रेफर्ड चॉइस. ऑब्वियसली सर, जब आप ओरल अलाउ करोगे तो फिर आप इंसुलिन को ड्रॉ कर लेना. सही सर, राजेश आपका स्वागत है, और डॉक्टर राजेश झा बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं प्रोवेंशन मेडिकल सर्विसेज में, और आपकी बहुत बड़ी भूमिका है ईएमएस के डॉक्टर्स को इस कोर्स को ज्वाइन कराने में. आपका ये जो सुझाव है ये बहुत वैलिड है कि इसमें सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए और उसके बाद हमारा डिसीजन बिल्कुल सही होगा. ये आपने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पे पिन पॉइंट करके. लेकिन अब जैसे पहले भी बात हुई कि सीकेडी का केस है, उसमें एक एक चीज को खोल के हम लोग शुरू से डिस्कस अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वरना कॉम्प्लिकेटेड बहुत होता जाएगा. तो कुछ चीजें हमें अभी 5 सेशंस हैं हमारे, हम एक एक दो दो पॉइंट्स को धीरे धीरे उनकी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे, डेप्थ ऑफ डिस्कशन बढ़ाते जाएंगे. तो जो आज हम लोग बहुत सुपरफिशियली कवर कर रहे हैं, सेकेंड में थोड़ा एडवांस, थर्ड में और एडवांस, और फिफ्थ में आप देखेंगे कि आपको रियल लगेगा कि हाँ ये हमारे स्पेशलिस्ट कैडर का डिस्कशन हो रहा है. बिल्कुल सर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, धन्यवाद. सो ये मॉड्यूल जो पहला मॉड्यूल है ये जो है बेसिक्स नॉलेज जो है इंसुलिन के बारे में बताएगा, और जैसे जैसे हम लोग मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे हम लोग उसकी घनिष्ठता को हम और आगे इसको लेके जाएंगे. सो ये बेसिक. जी सर, मैं आई एड समथिंग इन दैट केस, इन दैट केस विद फ्रैक्चर शैफ्ट ट्यूमर. जी जी बताइए सर. या इन दैट केस बिकॉज़ डायबिटीज इज वेल कंट्रोल्ड बट because he is already taking glimepiride sulfonylurea that is long acting, so during surgery because patient must be kept nil orally for quite a long time, probably 6 to 8 hours before surgery and after 4 to 6 hours after surgery, so he may face hypoglycemia during surgery or in a post operative period. So I would like to prefer the avoid the night dose of on the day previous to surgery, as well as start neutralized drip with low dose of insulin with dextrose 5% during the surgery till patient is nil oral. So that is my submission in that particular case, right, to sir. Avoid hypoglycemia, right, during pre and perioperative period. Right. So we'll discuss all these details. इस चीज को हम लोग इसी चीज के लिए मैं अभी कह रहा था कि जो 4th सेशन है हमारा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया,
इंसुलिन में, उसमें हम लोग और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजों को डिस्कस करके सर, हम लोग फोर्थ मॉड्यूल में सारा है सर, इनहाउस उसमें सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें सपोज पेशेंट फ्रैक्चर शेड फीमर का होता है, पेशेंट अर्जेंसी में आया है एंड पेशेंट को ऑपरेट करना है, एंड अगर सपोज ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल है तो हम लोग उसको ले लेंगे जल्दी, वी डोंट वेट क्या भाई ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करेंगे उसको। लेकिन सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, बट आज हम लोग जो डिस्कशन का मुद्दा है कि हमें इंसुलिन देनी है या नहीं देनी है, बहुत सिंप्लीफाइड केसेस हम लोग ले रहे हैं, उसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमिलर सिनेरियो है कि A1C 6.3% है, कंट्रोल है, कोलेसिस्टेक्टमी। अब सर्जरी जो होती है अब जो फ्रॉम लोकल टू जनरल एनेस्थेसिया आ जाती है, शुगर इसमें भी कंट्रोल है 112 एंड 143, ऑलरेडी पेशेंट ले रहा है ग्लिमिप्राइड 2 mg पर डे एंड मेटफॉर्मिन 2 g पर डे। तो सिनेरियो सेम है, बस हमारी इंडिकेशन ऑफ जो है इंसुलिन चेंज हो सकता है और उसका इंडिकेशन पर सर्जरी चेंज हो गई है। तो अब हम लोग लेंगे विल यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन नॉट, तो इसमें मेरे ख्याल से जवाब तो सबका मेरे ख्याल से आना चाहिए इसमें। और जैसा है बोले कि जीए में थोड़ा सा एनपीओ जो है ज़्यादा होता है, डेफिनेटली हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया को अवॉइड करेंगे और इस केस में हम लोग को ओरल मेडिसिन होल्ड करके पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ेगा, बिकॉज इनका जो पेशेंट जो है वो निलोरली मे बी 2 दिन, आजकल तो सर डॉक्टर पंकज लैब को लिए हमारे यहाँ तो 1 दिन होती है, नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। तो आजकल चीज़ें भी बहुत तेजी से बदल रही हैं, लेकिन अगर पेरिफेरी में जाएंगे तो डेफिनेटली जो है पेशेंट को 1 दिन निलोरली करेंगे, फिर 2 दिन तक निलोरली रखेंगे, सर्जरी करेंगे, तो उसमें समय लगता है। लेकिन यस, अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल है तो पेशेंट को हम जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं विद द सेम मेडिसिन जो पेशेंट पहले ले रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कि डिस्चार्ज मेडिसिन क्या होंगी इस पेशेंट की, जो कि हम लोग फोर्थ मॉड्यूल पर डिस्कस करेंगे। सो अनदर केस लेते हैं, अब शायद टाइम 5-7 मिनट का है, तो 2-3 केस लेके हम लोग वाइंड ऑफ करेंगे। So after 3 years of diagnosis, A1C 6.3% controlled, acute MI, anti-aval MI hua usko with LV dysfunction. Sugars 112 fasting and post-breakfast 143. Patient jo hai glimepiride le raha hai 2 mg per day, metformin le raha hai 2 grams per day and pioglitazone le raha hai 50 mg per day. Is case mein aap log patient ko insulin denge ya nahi denge? To aap log chat mein jod sakte hain ya fir ek paper pe likh sakte hain ki will you like to start insulin or not? सर, आपका क्या विचार है सर? क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल में या आईसीयू में या सीसीयू में एडमिट है और उसको सिग्निफिकेंट एलवी डिसफंक्शन भी है, वर्ड सिग्निफिकेंट मैंने ऐड कर दिया है, तो मैं ऐसे पेशेंट्स को तो सबसे बढ़िया तरीका इंसुलिन से ही कंट्रोल करूंगा, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, पेशेंट को बहुत सारी दवाइयां भी मिलेगी, आईवी लाइंस भी होंगे, फ्लूइड्स भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, कुछ और सडनली दवाइयां ऐड हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि इसमें सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि इसको हम इंसुलिन देके कंट्रोल रखें, जैसे कि आपको पता है पाइक्लिटिजोन शुड नॉट बी यूज्ड इन एलवी डिसफंक्शन, मेटफॉर्मिन भी ऐसे सिचुएशंस में एसिडोसिस करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं और जीएमपी जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, तो मैं इसको ऐसी सिचुएशन में इंसुलिन दे। डॉक्टर राजेश, आपका ओपिनियन? इन दिस केस डेफिनेटली the pioglitazone should be avoided, metformin may be reduced, but I would like to wait for insulin to start with, because patient may get hypoglycemia because he is already taking long acting sulfonylurea. So I will not suddenly stop the sulfonylurea, but wait for after reducing this pioglitazone, and SGLT2 inhibitor can be added, which is right. non-hypoglycemia and reducing the dose of sulfonylurea from 2 mg to 1 mg. Right. That will be my, and then we will start with basal insulin like glargine or insulin degludec. Right, sir. Small dose. So I think दोनों experts का मानना यह है कि हमें कुछ ना कुछ insulin देनी है patient को, because जो insulin है जो help करती है myocardial salvation में, metformin 2 ग्राम पर डे नॉट अ गुड चॉइस विद एलवी डिसफंक्शन, जैसे डॉक्टर एनपी सिंह ने बोला कि मेटफॉर्मिन जो है एसिडोसिस करती है, लेकिन आजकल जो कुछ स्टडीज आई हैं उसमें डिबेट हो सकता है कि मेटफॉर्मिन जो है इतनी एसिडोसिस जैसे लैक्टिक एसिडोसिस हम लोग बात करते हैं वो इतना नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशंस में कर सकता है जो हुई है सीकेडी में या वैसे क्रॉनिक केसेस में नहीं करें, सेप्सिस या सेवियर एलवी डिसफंक्शन में इट कैन। राइट सर, ठीक है। सो टू ऑन द सेफर साइड मे बी मेटफॉर्मिन को डोज कम कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन स्टॉप कर सकते हैं कुछ समय के लिए, पाइरोटिजोन सबकी राय है कि इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज वो फ्लूइड बढ़ाता है और पेशेंट एलवी डिसफंक्शन बढ़ा सकता है पेशेंट को। सेम केस 6.3% 80% बर्न के साथ सेप्सिस के साथ एडमिट हुआ है, फास्टिंग पीपी कंट्रोल है, ग्लिमिप्राइड 2 mg पर डे ले रहा है, मेटफॉर्मिन 2 ग्राम ले रहा है, सो
विल यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन? और जैसे कि अभी तक हमने सीखा है कि यस डेफिनेटली इंसुलिन इसमें स्टार्ट करेंगे बिकॉज इंसुलिन एंटी कैटाबोलिक है और सेप्सिस में खासतौर से हमें ओरल मेडिसिन से ज़्यादा लाभ नहीं होगा और हम इंसुलिन से कंट्रोल करके बाद में हम धीरे धीरे ओरल मेडिसिन ऐड करेंगे। A1C 9.3% परमिट ट्यूबरक्लोसिस एंड वेट लॉस है जो कि हम लोग काफ़ी देखते हैं। शुगर्स कंट्रोल नहीं है, 212-243 है। ऑलरेडी पेशेंट ग्लिमेप्राइड 6 mg पर डे है, मेटफॉर्मिन 2 g पर डे है। एंड विल यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन? एंड आई थिंक सबका ये होगा कि वेट लॉस हो रहा है तो इट मीन देर इज सम अमाउंट ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी इन सच पेशेंट्स, तो हम इंसुलिन पेशेंट को शिफ्ट करेंगे। रीजन बिकॉज इंसुलिन एनाबोलिक भी है, ग्लिमेप्राइड डोज में नॉट हेल्प एज डॉक्टर पंकज ऑलरेडी डिस्कस के ऑलरेडी 6 mg ले रहा है एंड जब उसकी 50% डोज हम करते हैं ग्लिमेप्राइड की बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। मेटफॉर्मिन मे नॉट बी गुड एज पेशेंट इज वेट लॉस, तो मेटफॉर्मिन की डोज कुछ कम कर सकते हैं ग्लिमेप्राइड की डोज टेपर ऑफ करके और हम पेशेंट सुन लेंगे एंड ये काफ़ी पेशेंट्स को फायदा होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो कि पोल क्वेश्चन है। 7 years ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, A1C 6.3%, पेशेंट हैड रीजन कैलकुलाई, EGFR इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, EGFR इज 41, शुगर्स कंट्रोल 112 एंड 143, पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन ग्लिमेप्राइड 6 mg पर डे, मेटफॉर्मिन 2 g पर डे। विल यू लाइक टू स्टार्ट इंसुलिन? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, एंड सी कांट से। कैन वी हैव द पोलिंग मिस रोशनी? राइट, सो 57% लोग बोलते हैं यस, 40% अभी भी कह रहे हैं कि नहीं इंसुलिन नहीं जरूरत है, एंड फ्यू 3% से कांट, 2% से कांट से। एनपी सिंह सर आपका बहुत दुविधा में डाल दिया क्योंकि मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि देखिए ये दोनों ही दवाइयां बहुत हाई डोज में चल रही हैं और EGFR 41 है, तो इस सिचुएशन में मैं सबसे पहले इन दोनों दवाइयों की डोज काफी कम करूंगा। ग्लिमेप्राइड तो मैं अवॉइड करूंगा एज इट इज अ लॉन्गर एक्टिंग ड्रग एंड चांसेस ऑफ इसकी हाइपोग्लाइसीमिया करने के बहुत ज्यादा है, और मेटफॉर्मिन की डोज भी 1 g कर दूंगा एंड देन आई विल सी अगर वो सब उससे ग्लिमेप्राइड बहुत कम करने से या ग्लिपिज़ाइड को कन्वर्ट करने से और मेटफॉर्मिन आदि डोज करने से अगर शुगर्स कंट्रोल में ही रहते हैं तो मैं ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। जैसे कि पहले भी पंकज भाई बता चुके हैं कि ये सल्फोनिलमाइड दिया जा सकता है लेकिन डोज कम करनी पड़ेगी, मेटफॉर्मिन दी जा सकती है डोज कम, और अगर अगर कोई एक ऑल्टरनेटिव है तो हमें अगर पेशेंट स्टेबल है तो SGLT2 इनहिबिटर्स फिर भी हम दे सकते हैं, लेकिन इंसुलिन मैं एकदम से नहीं शुरू करूंगा, दवाइयां कम करूंगा, सो आंसर इसका कांट से होगा। राइट, राजेश आपकी क्या ओपिनियन है? इन दिस केस माय सबमिशन विल बी पेशेंट इज लीन एंड थिन, then we will reduce the dose of metformin to 500, glimepiride to avoid glimepiride, and short acting insulin should be started. But if patient is obese, then glimepiride and metformin all should be reduced, and along with that SGLT2 inhibitor should be added. Right sir. So Bansal, iska dono ho sakta hai, yes no is not, and patient ne bola ki can't say, bilkul sahi baat hai, and kyunki EGFR jo 45 se kam hai to definitely metformin dose hum kam karenge, glimepiride dose definitely hum reduce karna chahenge because glimepiride can cause hypoglycemia, aur bada hi zabardast hypoglycemia hota hai, hum log dekhte rehte the hamare patients jo hai glimepiride pe patient CKD ke aate the and it's very difficult to control at times, definitely glimepiride ke dose hum dheere dheere taper off karke aur is case mein to hum log band karna chahenge because of this thing. So other case hai, patient had acute hepatitis, A1C 6.3%, 7 years of diagnosis, fasting PP control hai, glimepiride 6 mg, metformin 2 g le raha hai. Would you like to start insulin? Yes, no or can't say. So we can take up that definitely yes. Reason kya hai ki hume metformin ko withdraw karna hai because already hepatitis hai usko, patient already ko gastric or bowel upset ho sakta hai patient ko, and sulfonylurea thi high dose mein liver dysfunction mein can cause hypoglycemia, to hume sulfonylurea ko stop karna hai and insulin is the best option in this case. 13 years of diagnosis, 9.3 A1C, sugars are controlled, patient is taking multiple drugs, glimepiride, metformin, telgliptin and remogliflozin. इस पेशेंट में आपको इंसुलिन स्टार्ट करना है जबकि शुगर देखिए कंट्रोल है, बट जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है A1C जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, सो इंसुलिन स्टार्ट करना है आई थिंक, क्योंकि इंसुलिन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरा आंसर तो यस होगा इसमें बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट,
वी हैव टू ब्रेन पिसिंग सर कुछ कहना चाह रहे हैं मैं ये कहूंगा कि पेशेंट को ये समझा दूंगा मैं ये फास्टिंग पीपी इसका जो कंट्रोल आया है एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दवाइयां अभी रिसेंटली ऐड की गई हों और उसका अभी असर पूरा ना हुआ होगा लेकिन डेफिनेटली यू आर राइट कि पेशेंट को बिठा के समझाना कि यू आर ऑलरेडी ऑन मैक्सिमम पॉसिबल डोजेस और जैसे ही अगर अगली शुगर कभी हाई आई या कुछ ऐसा कुछ होगा तो मैं इंसुलिन शुरू करने में रेडी हूँ यस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट चूंकि अभी क्रॉस है उसको जो इमीडिएट जो है कंट्रोल है तो आई माइट वेट फॉर सम टाइम बिफोर यू नो थिंग्स गो रॉन्ग राइट सर दूसरा रीजन जैसे आप बोल रहे हो कि 13 ईयर डायग्नोसिस है ऑलरेडी वो सीक्रेट डेवलप हो रहा हो तो उसका ब्लड ग्लूकोज जो है कंट्रोल जो है अच्छा हो रहा हो एंड हम डोज बढ़ाएंगे हो सकता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसिमिक लैंड कर जाए तो यस हमें वॉच करना है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है इसको एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन सो डॉक्टर पंकज हम लोग यहां रोकते हैं अभी एंड ऑलरेडी 5 past 6 उसके बाद जो कमेंट्स लास्ट कमेंट्स देके हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे सर बिल्कुल मुझे लगता है कि इन सब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने थी पंकज सुन पा रहे हैं हाँ जी सर जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सब आ रही है कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच बहुत है उनकी एज उनका वेट उनका कोमोर्बिडिटी और एक एंड में उनकी जेब भी मैं ऐड कर देता हूँ कि ये इंडिया में खासकर और उनकी क्या घर में वातावरण है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है दोनों ही जैसे कि आरएसबीआई की गाइडलाइंस बहुत क्लियरली इस बात को भी तवज्जो देती है कि जेब और वातावरण भी इम्पोर्टेंट चीज है और बाय एंड लार्ज आपने बड़ी अच्छी गाइडलाइंस बताई और ये बताया इंसुलिन कब ना दो जब भी मैं भी हैरान था कि ये तो इंसुलिन पे ही वो है बट मुझे लगता है कि पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच और इंडिविजुअल पेशेंट से बात करके उनकी ये सब बातें समझ के ये करना बहुत जरूरी है बाकी जनरल गाइडलाइंस बहुत अच्छे और बहुत अच्छे सरल तरीके से आप सकते धन्यवाद सर और मित्रों सफर आज हमारा थोड़ा सा हिचकोले खाता हुआ सा थोड़े शुरू में आप लोगों को कुछ असुविधाएं हुई ज्वाइन करने में भी क्योंकि पहली बार था तो कई मैं देख रहा था अभी अपने मोबाइल में जो हमने आप लोगों के बीच में ग्रुप्स बनाए हैं उन ग्रुप्स में सबकी मेजर कंप्लेंट्स थी कि ज्वाइन करने में कुछ दिक्कत आ रही है लेकिन शायद ये पहली बार था हम लोग हर चीज़ से वाकिफ नहीं थे ज्वाइनिंग लिंक सबको सुबह भी और 2-3 बार और भी 3 बजे तक भी पहुँचाए गए रजिस्टर्ड डेलीगेट्स को तो आप लोगों से निवेदन है कि वो लिंक्स को जो पहले हो उनको प्रॉपरली अगली बार से पहले से अपने पास चाहे सेव करके रखें या उनको नोट करके रखें जो आप लोगों ने लॉगिन जिस से बना के किया था जो आपने अपने पासवर्ड डाले थे वो आपको यूज़ करने हैं उसमें जिससे कि आपको याद रहे कि आपने कैसे किया था और अगली बार से ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए पहले से 2 या 3 मिनट या 5 मिनट पहले से उसको लॉग इन करके रखें जिससे कि ये परेशानी ना हो जो शुरुआत में थोड़ा सिग्नल के इश्यूज रहे वो अपरिहार्य हैं वो किसी के हाथ में नहीं है लेकिन उसके बाद कम से कम कंडक्ट बहुत अच्छा रहा पूरा सेशन हम लोगों का स्मूथली चला बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश अग्रवाल दोनों हमारे एक्सपर्ट्स आप लोगों के साथ में आप लोगों के सानिध्य में आप लोगों के मार्गदर्शन में जो जो एक इसमें नए नए फ्लेवर जुड़ते गए जो आप लोगों के एक्सपीरियंस बेस्ड जो हम प्रेजेंट कर रहे थे एविडेंस बेस्ड आप लोगों के इनपुट्स आ रहे थे एविडेंस एक्सपीरियंस बेस्ड उससे डेफिनेटली मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारे जो ऑडियंस है उनको लाभ अवश्य मिला होगा आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि आज का सेशन बहुत ही सिंपल था और हम लोगों ने इंसुलिन के विषय में तो कुछ बात की ही नहीं क्योंकि यह बेस बनाना बहुत जरूरी है कि इंसुलिन एक नो डाउट की बहुत अच्छी दवा है लेकिन केवल इंसुलिन काम नहीं करती हमें बाकी जो ओरल ड्रग्स हैं उनको बहुत प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना है कुछ पार्ट अभी जो हमें रेजिमेन इंसुलिन रेजिमेन डिस्कस करने थे वो अब हम लोग अगले सेशन में उसको आज का जो बचा हुआ भाग इंक्लूड कर लेंगे और फिर हम लोग वहाँ से ओरल मेडिसिन जो बेसल इंसुलिन कैसे स्टार्ट करनी जो नेक्स्ट सेशन की मैं रूपरेखा आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट सेशन में हम लोगों को पहले से
थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना है, हमारे जो लेवल ऑफ डिस्कशन है थोड़ा एडवांस्ड होगा और हम लोग थोड़ा क्विक चलेंगे, फास्ट चलेंगे, क्योंकि आप सब लोग प्राइम्ड हैं। तो इंसुलिन रेजिमेन को हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इंसुलिन रेजिमेन डिसाइड करते हैं कि कौन से। आप लोगों से जो बात हमको अब लास्ट में करनी थी, आज हमारे साथ बहुत बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज हमारे जुड़े मिनिस्ट्री से, जिसमें मुझे बहुत हेल्प मिली डॉक्टर मिस्टर अतुल गर्ग से, जो हमारे स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं यूपी के, जो डायरेक्ट्रेट से डॉक्टर अलका शर्मा और डॉक्टर अखिलेश धवन, डॉक्टर राजेश झा हमारे बीच में रहे और इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा ईएमएस डॉक्टर्स के इसमें इंक्लूड कराने के लिए। डॉक्टर राजेश झा आप हैं हमारे साथ, आपका आभार। आईसीपी एपीआई की पूरी टीम रही और इसमें से डॉक्टर वाईपी मुंजल नहीं ज्वाइन कर पाए, बाकी लोग रहे। डॉक्टर एनपी सिंह और डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने तो पूरे 2 घंटे निकाले, हम आप लोगों के कृतज्ञ हैं कि आप लोगों ने समय दिया। और डॉक्टर सोनी की प्रशंसा करूं, उनको धन्यवाद कहूं, मैं क्या कहूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी मैं कर सका ये इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। और डॉक्टर पंकज चौधरी तो हमारे साथ होते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, और इनका मुझे हमेशा जो साथ, हम दोनों के पंकज पंकज मिलके पंकज स्क्वायर हो जाते हैं, टू पंकज नहीं पंकज स्क्वायर हो जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आभार। लुपिन फार्मा बैकग्राउंड वर्क आप ही का था, डॉक्टर मनीषा और लुपिन की पूरी टीम जिन्होंने डेलीगेट्स को रजिस्टर कराने में मदद की, और बाद में थोड़ा सा जो अभी टेक्निकल इश्यूज रहे, हम आप लोग प्रयास करें कि अगली बार ना हो। हम लोग नेक्स्ट संडे 4 बजे से 6 बजे तक फिर मिलेंगे, बेसल इंसुलिन कैसे आरंभ की जाती है, अब इसके ऊपर। मैं देख रहा था अभी जो चैट हमारे पास आप लोगों की आ रही थी, उसमें जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उसमें सबका एक ही वो था कि क्या हमें इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप लोग ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाकर MCH टाइप करिए, ये लोगो सेलेक्ट करिए, इसको इंस्टॉल करिए। जो एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारे अधिकांश जो कई डॉक्टर्स नहीं रखते, वो पब्लिक में रजिस्टर कर लेते हैं। पब्लिक में रजिस्टर करेंगे तो केवल हेल्थ एजुकेशन आपको मिलेगी, आपको एज मेडिको रजिस्टर करना है, जिससे हेल्थ एजुकेशन के सारे जानकारियों के साथ साथ आपको मेडिकल एजुकेशन मिले। और इसमें हम 2 दिनों में जब ये रिकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी तो हम ये रिकॉर्डिंग इसकी फीड करेंगे, तो जो आज की प्रॉब्लम्स जिनको आई हैं वह उसमें आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मित्रों आज का सफर यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मैं डॉक्टर एनपी सिंह और डॉक्टर राजेश अग्रवाल का हाथ जोड़ के आभार प्रकट करता हूं और डॉक्टर पंकज और लुपिन की टीम को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मित्र। एक सर क्लोजिंग कमेंट मेरी तरफ से कि जिन लोगों ने आज का सेशन थोड़ा सा डिले किया है या ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हम लोग शायद 10 से 15 मिनट लेंगे शुरू के, जिसमें हम आज का जो सेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे ताकि हम लोग को आगे बढ़ने में थोड़ी सी सुविधा हो जाए और जो लोग नहीं समझ पाए उसको अच्छे से समझ सकें। डॉक्टर पंकज हम लोग लास्ट टाइम ऐसा किया था तो हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रखेंगे साथ में कि 10 मिनट का रिविजन ले लेते हैं पिछले मॉड्यूल का। बिल्कुल, एक फिर मैं काम और कर रहा हूं, मैं एक फोन नंबर आप लोगों के चैट बॉक्स में अभी दे रहा हूं, और ये फोन नंबर काफी लोग तो हमारे साथ ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो मित्र अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं है वह इस नंबर को नोट कर लें, 9212657372। और जो लोग ऑलरेडी किसी ग्रुप में हैं वो कृपया इस नंबर पे कोई मैसेज ना डालें, जो लोग नहीं हैं वो अपना नाम, क्वालिफिकेशन और सिटी, ये 3 चीज़ें अवश्य लिखें और इस पे दे दें, जिससे कि कोई इंफॉर्मेशन गैप ना रहे हम लोग के बीच में, क्योंकि अभी हम लोग का सफ़र साथ लंबा चलेगा। तो जो लोग ग्रुप में नहीं हैं केवल वही लोग इसी इस पर अपने क्रेडेंशियल भेज दें, तो जिससे हम लोग उनको ग्रुप्स में ऐड कर लें। और जो लोग मल्टीपल ग्रुप में आ गए हैं वो एक कोर ग्रुप जो है कोर ग्रुप में रखें, और अभी जो हम लोगों ने 1, 2, 3 और ग्रुप्स बनाए हैं उनको एग्जिट कर लें। ठीक है मित्रों, फिर धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर अग्रवाल, पुनः आभार। थैंक यू सर।
should we close the session? Sure, doctor. धन्यवाद धन्यवाद सर.